नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी लेक्चर सीरीज में। हम पॉलिटी लेक्चर सीरीज में क्रैश कोर्स का पार्ट वन देख चुके हैं, आज हम पार्ट टू देखेंगे। जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में करता हूँ, आपके स्क्रीन पे तो मैं नोट्स लगाऊंगा ही, साथ में आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। और सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे, इंडेक्स देखेंगे और लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे, और उसके बाद में आज का एजेंडा, आज का कार्य शुरू करते हैं। तो इंडेक्स जो मैंने बताई थी, आपको याद होगी, मैंने 7 भागों में इस लेक्चर सीरीज को बांटा था। पहला था परिचय एवं प्रस्तावना। मैंने परिचय को बहुत अच्छे तरीके के समझाया था आपको, सारे बिंदुओं को बताया था। उसके बाद प्रस्तावना को भी हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ के समझाया था, और उसमें 5 आदर्श और 4 आकांक्षाओं को भी बताया था। उसके बाद में स्रोत एवं संविधान का बनना, संविधान के स्रोत क्या क्या थे, ये सब कुछ मैंने उसमें बताया था कि किस देश से कौन कौन से गुण लिए गए हैं, और संविधान बनने की प्रक्रिया क्या रही थी, कि सबसे पहले 1773, उसके बाद 1858 वाला, उसके बाद 1909, 1919, 1935, इस तरीके से पूरी प्रोसेस उसमें बताई थी। उसके बाद में मैंने आपको संविधान का स्ट्रक्चर या ढांचा, भाग, अनुसूचियां, परिशिष्ट में बता ही चुका था। 22 भाग थे, जिसे वर्तमान में 25 भाग मान सकते हैं। उसके बाद में अनुच्छेद जो थे 395 थे, मान सकते हैं 495 हो गए। अनुसूचियां 8 थी, जिन्हें बढ़ा करके 12 कर दिया गया, और परिशिष्ट जो थे वो 5 थे। मेरे पास अपने आईपैड में PDF है, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में PDF दी गई है। आज का लेक्चर आप शुरू करते हैं हम, आप चाहें तो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और सारी चीजें मैं आपकी स्क्रीन पे लगा दूंगा। एक बार रिवाइज में मैं बता देता हूँ, परिचय एवं प्रस्तावना में मैंने कुछ बिंदु बताए थे। जेतक, पहला बताया था कि यह सुप्रीम लॉ होता है, सर्वोच्च कानून होता है। 3 गुणधर्मों वाला ढांचा भी बताया था मैंने डायग्राम बना करके। उसके बाद में मैंने बताया था कि यह विशिष्ट एवं अनोखा है, यह किसी भी संपूर्ण राष्ट्र का सबसे लंबा एवं लिखित है। अब तक 122 बार संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुए हैं, जिनमें से 101 बार संविधान को संशोधित किया जा चुका है। 101वां GST, 100वां भारत बांग्लादेश, 99 NJC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। उसके बाद में बोला था ये एक्सटेंसिव ब्रद है, संवेदनशील है, कल्याणकारी है, परिवर्तनीय है। उसके बाद में कठोर, फ्लेक्सिबल, प्रस्तावना पे आ गए थे हम। प्रस्तावना में आपको पूरा बताया था कि 5 आदर्श होते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक यानी संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य। उसके बाद में 4 आकांक्षाएं बताई थी, न्याय मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समता मिलनी चाहिए और बंधुता मिलनी चाहिए। उसके बाद मैंने परिभाषाएं भी बताई थी। फिर हम आए थे संविधान के स्रोत, ब्रिटेन से क्या लिया गया है। मैंने ट्रिक बताई थी, हम संसद का निर्माण अकेले करेंगे। अमेरिका का बताया था, लोगों को न्याय एवं स्वतंत्रता दिलाना हमारा अधिकार है। कनाडा में RSS संघ की शाखा है। आयरलैंड छोटा सा है, नीति निर्देश उसकी समझ में नहीं आते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सूची में हमेशा अव्वल रहता है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जर्मनी से हिटलर, वहीं से संबंधित हैं, तो आपातकाल का जो प्रावधान है वो अपने जर्मनी से, USR से, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज एंड पंचवर्षीय योजना है। दक्षिण अफ्रीका को क्रिकेट में संशोधन करना पड़ेगा। फ्रांस का गणतंत्रात्मक व्यवस्था और जीवा एक्ट से अपना राज्यपाल और द्विसदनात्मक व्यवस्था। उसके बाद में संविधान बनने की जो प्रोसेस बताई थी, उसमें रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1858 जब EIC को बिल्कुल भंग कर दिया गया था, फिर 1909 जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन यानी पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद 1919 मॉन्टेक चेम्सफोर्ड के नाम से जाना गया, प्रांतों में द्वैत शासन या और दूसरा द्विसदनात्मक व्यवस्था। 1935 में मैंने 5 बात बताई थी, वो आपको याद रहनी चाहिए, हर एग्जाम में 1909, 1919 और 1935 से रिलेटेड सवाल जरूर मिल जाएंगे। 1935 में बताया था प्रांतीय स्वायत्तता की गई है, केंद्रों में द्वैत शासन आ गया है, अखिल भारतीय महासंघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और RBI की। उसके बाद में कैबिनेट प्लान आया था। उसके बाद में भारत को आज़ादी मिल गई थी। उसके प्रमुख तिथियां बताई थी मैंने, और प्रमुख व्यक्तियों के नाम बताए थे, जैसे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष जो है अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके से हमने वहां तक कवर कर लिया था। आज हम कवर करेंगे थोड़ा सा जल्दी में स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख तिथियों को देख लेंगे। वैसे तो ये जो पार्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पार्ट जो है अपना मॉडर्न हिस्ट्री का है, आधुनिक भारत का है, लेकिन मैं जल्दी से ये सारी डेट्स बता देता हूँ, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आप इन्हें देखिए एक बार, मैं पूरी डेट्स आपको बता देता हूँ। देखो, स्वतंत्रता संग्राम में जो प्रमुख डेट्स हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट आता है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी थे, उनके द्वारा की गई थी। और इसका जो अधिवेशन हुआ था, दिसंबर 1885 में हुआ था पहला अधिवेशन, तो उस समय जो उसकी अध्यक्षता की थी वो ब्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। याद रखना, संस्थापना करने वाले A.O. ह्यूम हैं और इसके प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो ब्योमेश चंद्र यानी W.C. बनर्जी हैं। अब तुम बताया, पूरे सवाल आता है कि ये कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने ही क्यों की। देखो, इसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं।
एयू हुम के बारे में। एक तो एयू हुम जो था वो एक ह्यूमनिस्ट आदमी था, मानवतावादी आदमी था, और वो अपने समाज के दुखों के साथ, अपने जो भारत के साथ अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जा रहा था उससे दुखी था। तो वो चाहता था कि भारत के लोगों की बात को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाना चाहिए, ये एक पॉइंट आता है। एक्चुअली में फिक्स किसी को नहीं पता है, दो तरीके की बात आती है। एक पॉइंट जो मैंने ये बता दिया कि ये अपना मानवतावादी चेहरा प्रस्तुत करके भारतीय समाज के लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना चाहता था। दूसरा आता है कि एयू होम को अंग्रेजों ने ही खड़ा किया था, अंग्रेजों ने ही खड़ा किया था कि लोगों में जो आक्रोश होता है उस आक्रोश को, प्रेशर को निकालने के लिए एक सीटी बना दी, जैसे कि भारत के लोग इस कुकर में की तरह, इस कुकर में दब रहे हैं, कुकर में वो अंग्रेज ने दबा रहे हैं, तो कांग्रेस के रूप में एक प्रेशर वाल्व बना दिया गया है कि अब ये जितना भी ज्यादा प्रेशर होगा उन्हें इस कांग्रेस वालों पे थोप देंगे कि आप ये करो ये करो, कांग्रेस इन्हें आश्वासन दे देगी और जनता शांत हो जाएगी। तो ये तो था, ऐसे दो दो चीजों को मान सकते हैं कांग्रेस की स्थापना। एक तो ये वाल्व के रूप में सेफ्टी वाल्व, अंग्रेजों का सेफ्टी वाल्व था। दूसरा ये मान सकते हैं कि ये जो एयू होम था ह्यूमनिस्ट था। अब दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट हैं पर फिक्स नहीं है। दोनों में यही याद रखना कि इसे ये भी माना जाता है कांग्रेस को अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए शुरू किया था, बाकी एयू होम, डब्ल्यू सी बनर्जी इन सब के बारे में बोला जाता है कि ये भारत के लोगों का भला करना चाहते थे। दो दो बातें आती हैं निकल के। अगली पंडू बातें, 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। 1905 में भारत का जो बंगाल था, बंगाल प्रांत जो था उसमें बांग्लादेश भी शामिल था, मैं आपको मैप में बताई देता हूँ। 1905 में भारत का जो बंगाल था वो ये बांग्लादेश को मिला करके, असम को मिला करके और ये पश्चिम बंगाल को मिला करके ये पूरा बंगाल बनता था। इस तरीके से पूरा का पूरा बंगाल ये बनता था यहाँ से लेके और यहाँ तक का। अब 1905 के आसपास में वहाँ कलकत्ता तो अंग्रेजों की राजधानी थी। अब कलकत्ता में बड़े बड़े कॉलेज वगैरह खुल गए थे, बड़े बड़े संस्थान खुल गए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे, रामकृष्ण परमहंस जैसे, एक इंटेलेक्चुअल यानी जिसे बोल सकते हो आप भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत करने वाले लोग आ चुके थे। तो भारत में पुनर्जागरण होने लग गया था, तो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने लग गए थे, लोगों में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। तो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो वाली नीति को अपनाते हुए ऐसा किया कि ये लोग हमारे खिलाफ खड़े हों उससे अच्छा है कि इन लोगों को आपस में ही लड़ा दिया जाए, यानी हिंदू और मुसलमान में बांट दिया जाए। तो अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में। ये वाला जो क्षेत्र था इधर की साइड में, ये अपना पूर्वी बंगाल बना दिया गया था, और इधर वाला जो क्षेत्र था इसे पश्चिम बंगाल बना दिया गया था। अच्छा, पश्चिम बंगाल इसलिए ही बोला जाता है आज तक, अभी पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बंगाल प्रदेश कर दिया गया, याद रख लेना, अभी पश्चिम बंगाल नहीं है बंगाल का नाम, अभी बंगाल प्रदेश है। तो यहाँ पे विभाजन कर दिया गया कि ताकि ये लोग आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हो जाएं, और एक्चुअली में उनका ये जो विभाजन था वो सही साबित हुआ और लोग आपस में उल्टे एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हो गए थे, क्योंकि अगले ही साल 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। तो ये अंग्रेजों की चाल थी और वो इसमें सफल रहे थे। इस बंगाल विभाजन के खिलाफ विद्रोह हुए थे, स्वदेशी आंदोलन भी चला था 1905 में। उसके बाद बात करते हैं 1907 की। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सूरत में अधिवेशन हुआ था, तो उसमें गरम दल और नरम दल के लोगों में विभाजन हो गया था। गरम दल वाले लोग चाहते थे कि हम अभी अभी तुरंत जल्दी से आजादी चाहिए और अंग्रेजों से बंदूक के बल पर आजादी लो, अंग्रेज प्यार से नहीं मानने वाले हैं। नरम दल वाले कहते थे नहीं, अंग्रेजों से धीरे धीरे आजादी ली जाएगी, प्यार से आजादी ली जाएगी, लड़ाई से आजादी नहीं मिलने वाली। तो उन दोनों में आपस में ये विरोध हो गया था। गरम दल के जो नेता थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय जो अपने पंजाब के थे, बाल गंगाधर तिलक जो अपने मुंबई यानी महाराष्ट्र के थे, और अपने बिपिन चंद्र पाल जो अपने कोलकाता यानी बंगाल के थे। तीनों अलग अलग दिशाओं के थे, बंगाल के, महाराष्ट्र के और पंजाब के, महाराष्ट्र के और बंगाल के, तीनों अलग अलग दिशाओं के गरम दल के नेता थे। तो 1907 में इनमें आपस में गरम दल में और नरम दल में मतभेद हो गए और जो था ये विभाजित हो गया कांग्रेस 1907 में। इसे सूरत पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे, 1895 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, 1895 से 1915 तक लगातार उन 20 साल तक वहाँ पे उन्होंने वकालत की थी और वो दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। फेमस होने का कारण ये था कि वहाँ पे जो अश्वेत लोग थे उनके साथ भेदभाव होते थे, तो उन अश्वेत लोगों के अधिकार के लिए महात्मा गांधी खड़े हो गए थे और एक्चुअली में अंग्रेज लोगों को उनके सामने झुकना पड़ रहा था दक्षिण अफ्रीका में। जो अंग्रेज लोग पूरे विश्व पर शासन कर रहे थे, जो ग्रेट ब्रिटेन वाले लोग पूरे विश्व में शासन कर रहे थे, वो एक व्यक्ति के सामने ही झुक रहे थे, वो भी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले व्यक्ति के साथ। भारत में तो वो कहीं किसी व्यक्ति को मानते ही नहीं थे और कहीं भी किसी व्यक्ति को सही ढंग से नहीं मानते थे, वो दक्षिण अफ्रीका में अकेले महात्मा गांधी ने सारे अंग्रेजों को झुका दिया था अपनी बातें मनवाने के लिए। तो वहां पे दक्षिण अफ्रीका में 20 साल रहे, कांग्रेस
वहां पे प्रयोग करते रहे वो अपने, लेकिन वो फेमस हो रहे थे इंडिया में। उसी समय जितने भी अखबार आते थे उनमें खबर चलती थी कि यार दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय व्यक्ति ने अंग्रेजों को झुका दिया। ऐसे ही कुछ एक, अब जो पत्रकार होते हैं, पत्रकारों का काम तो होता है सरकार की आलोचना करना, ओरिजिनली काम। आज के समय पे तो चाटुकार करने लगे, पर उस समय भी अंग्रेजों के, इंग्लैंड के बहुत अच्छे पत्रकार थे जो महात्मा गांधी को एक बहुत बड़े नेता के रूप में पेश कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जब अफ्रीका में ही थे, दक्षिण अफ्रीका में ही थे, तब भारत में भी फेमस हो चुके थे, तब उसी समय इंग्लैंड में भी पूरे विश्व में फेमस हो चुके थे। 1915 में वो भारत आए, भारत में उनका मुंबई में बहुत अच्छा स्वागत किया गया सरदार पटेल और अपने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद में उनको ऑफर दिया गया कि आप अपने कांग्रेस में शामिल हो जाइए, लेकिन महात्मा गांधी जी उसी समय कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनके जो गुरु बनाए थे उन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले ने कहा था कि अभी आप दक्षिण अफ्रीका से आए हो, दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियां अलग हैं, भारत की परिस्थितियां अलग हैं, आप पूरे भारत को घूमो। तो 1915 से लेके 1917 तक 2 साल लगातार महात्मा गांधी जी पूरे भारत में ट्रेनों से यात्रा की थी, एक एक, मतलब एक एक जिला, एक एक गांव, इस तरीके से दूर दूर से देखते रहे थे उन्हें। 2 साल तक पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया था। उसके बाद में उन्होंने अहमदाबाद के पास में साबरमती नदी के किनारे गांधी आश्रम बना लिया था। गांधी आश्रम बना लिया था पहली बार 1917 में, पहली बार 1917 में वो बिहार में चंपारण नाम की जगह पे आंदोलन करने के लिए गए थे, जहां पर किसानों के लिए, किसानों से अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। तो महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन था वो चंपारण का था, दूसरा आंदोलन था अहमदाबाद मिलगा आंदोलन, और तीसरा आंदोलन था खेड़ा आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में। तो याद रखने ना, पहले क्रम याद रख लेना, पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी के पहले 3 आंदोलन कौन से थे, चंपारण, अहमदाबाद मिल और खेड़ा। उस समय तक 1916 तक कांग्रेस का पुनः एकीकरण हो चुका था, लखनऊ में आपस में गरम दल और नरम दल दोनों आपस में आकर के मिल चुके थे, और 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग के बारे में अपना हिस्ट्री का जब क्रैश कोर्स कराऊंगा तब डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी कर देता हूँ उस चीज को। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसे दांडी मार्च भी बोल सकते हैं, 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था अपने मुंबई में गोलवालिया टैंक नामक मैदान पे वहां पे, और जिस दिन उन्होंने शुरू किया उसी दिन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1919 में रोलेट एक्ट आया था, रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा की गई थी, तो वहां पे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में गोलीकांड हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन आया था जिसका विरोध कर रहे थे लोग, तो उसमें लाला लाजपत राय को गोली मार दिया, लाला लाजपत राय को लाठियों से पीट पीट कर मार दिया गया था। उसके बाद में 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज का सेशन चला था, जिसमें दिसंबर की बात थी, 31 दिसंबर की बात थी, तो उसमें बोला गया था कि हम 26 जनवरी को अपना पूर्ण स्वराज घोषित कर देंगे और झंडा फहराएंगे, 26 जनवरी 1930 को। तो 1929 में सेशन हुआ, 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पहली बार झंडा फहराया था। 23 मार्च 1931 भगत सिंह को फांसी दी गई थी, 23 मार्च आने वाली है तो मैं भगत सिंह के बारे में एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा 22 मार्च के आसपास में। और 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, 1942 में ही भारत मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, 1946 में कैबिनेट मिशन आया। तो ये स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख तिथियां हमने फास्ट वे में देख लीजिए, ये अपनी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आगे बात करते हैं संविधान के भाग के बारे में। देखो संविधान के भाग जो है मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा, और ट्रिक के अलावा दूसरा तरीका जो है उससे भी बताऊंगा। संविधान के भाग, संविधान के 22 भाग बताए थे मैंने, 22 में से अभी 25 हो गए हैं, लेकिन ओरिजिनली बोलने को 22 ही रहेंगे। ऐसे ही अनुच्छेदों का बताया था कि 395 अनुच्छेद बोलने को ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ओरिजिनली 395 ही रहेंगे। तो इसमें मैंने ट्रिक भी बनाई हुई है, और सारे के सारे जो अपने भाग हैं संविधान के उनके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो पहले आप ट्रिक थोड़ा सा देख लीजिए, आगे हम चलते हैं पूरा, पहले 22 भागों को देख लेते हैं, संविधान के 22 भागों को देख लेते हैं। ये इनमें से पूछ लिया जाता है नॉर्मली कुछ कुछ भाग। हम संविधान के 22 भागों को देख लेते हैं, मैं आपको बोलता जाता हूँ, आप टैली करते चलिए। अब इनमें से याद करने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपके लिए बताता चलूंगा, लेकिन एक बार 22 भागों को देख लेना जरूरी है, ताकि ऊपरी ऊपरी रूप से पूरा संविधान आपकी नजरों के, आंखों के सामने से, ताकि ऊपरी ऊपरी रूप से पूरा संविधान आपकी आंखों के सामने होके निकल जाएगा, आपको पता चल जाएगा हाँ कि हम पूरा संविधान देख चुके हैं। तो देखिए इसमें स्ट्रक्चर के मैंने बताया हुआ है, इसमें पार्ट बनाए हुए हैं रोमन संख्या में, आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितने से कितने तक है, और उसमें क्या क्या भाग शामिल किए गए हैं, क्या क्या इसके गुणधर्म है, ये बात की गई है। तो फर्स्ट पार्ट जो है आप देख रहे होंगे आर्टिकल 1 से 4 तक है, 1 से 4 तक अनुच्छेद है, और ये पहला जो भाग है ये बात करता है यूनियन और इट्स टेरिटरी यानी संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। पार्ट टू में चलते हैं, पार्ट टू जो है 5 से लेके 11 अनुच्छेद तक है, और इसमें नागरिकता की बात की गई है। पार्ट 3 12 से लेके 35 तक है, जिसमें फंडामेंटल राइट की बात की गई है,
ये पार्ट थ्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट फोर के बारे में बात करते हैं, 36 से लेके 51 तक इसमें राज्य नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। पार्ट फोर ए यानी इसमें अनुच्छेद नंबर 51A, देखिए मैंने बोला था ना कि फोर के साथ में अगला फाइव नहीं जोड़ा, इसे फोर का ए ही कर दिया है, यानी अनुच्छेद अभी जैसे बोलेंगे अब ये 23वां भाग मान सकते हो इसे, लेकिन फोर ए बना दिया है इसे। तो फोर ए जो है वो 51A है और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूलभूत कर्तव्यों के बारे में बात किया गया है, जो कि अपने 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। तो इसमें तीन शब्द निकल के आए हैं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। बाकी तो मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ आपको, इनमें से केवल और केवल फंडामेंटल राइट यानी मूलभूत अधिकार ही जस्टिसिएबल है, जिसमें आप अपने अधिकारों का हनन होने पर, इनका पालन नहीं होने पर आप न्यायपालिका के पास में जा सकते हो। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। डीपीएसपी का मतलब होता है जरूरी नहीं है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन ना होने पर आप कोर्ट में जाओ या न्यायपालिका में जाओ। इसमें अब मैं आपको परिभाषा एक बार इनके बारे में समझा देता हूं, तीनों में क्या अंतर है। फंडामेंटल राइट्स, आप भारत में पैदा हुए, आपके पैदा होते ही आपको कुछ मूलभूत अधिकार मिल जाएंगे जो कि भारत के नागरिकों का एक परम अधिकार है। छह अधिकार मिलते हैं, शुरुआत में सात अधिकार थे, अभी छह अधिकार मिलते हैं, आगे हम इन्हें पूरे डिटेल से देखेंगे। उसके बाद में डीपीएसपी यानी राज्य को निर्देश दिए गए हैं, निर्देशक तत्व दिए गए हैं कि आपको राज्य को, अपने समाज, अपने राज्य को, राज्य के लिए निर्देश दिए गए हैं कि आपको अपने राज्य को इस तरीके से चलाने की कोशिश करनी चाहिए, इस तरीके से चलाने की कोशिश करनी चाहिए। हम डीपीएसपी वाले अनुच्छेद भी देखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है राज्य उसी तरीकों को फॉलो करे, जरूरी नहीं है। अगर फॉलो नहीं भी कर रहा है उनको, तो आप उन्हें फॉलो करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते, ये डीपीएसपी होता है। डीपीएसपी के बारे में मैंने बताया था कि ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। और अगला है 51A फंडामेंटल ड्यूटी। तो अब इतना ये था कि अपनी सरकार ने उस समय तो अधिकार तो दे दिए, संविधान बनाया था उस समय, लेकिन उस समय कर्तव्य नहीं थे, तो इंदिरा गांधी जी को लगा कि लोग अधिकार ही अधिकार मांगते हैं, कम से कम कर्तव्य भी दिए जाने चाहिए। तो उन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह जी से बोला कि आप आइए और मूल कर्तव्य जहां भी अच्छे अच्छे हों उन्हें लेके आ जाइए। तो शुरुआत में 10 थे मूल कर्तव्य, 2002 में एक और जोड़ दिया गया है, यानी 11 मूल कर्तव्य हो गए अभी। उसके बाद बात करते हैं 5वां भाग, जिसमें 52 से 151 तक संघ सरकार के बारे में बात किया गया है। 52वां अनुच्छेद अपने राष्ट्रपति से संबंधित है, 63वां अनुच्छेद अपने उपराष्ट्रपति से है और 74वां अपने प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री से। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, 52, 63, 74, 11, 11 का अंतर है। 52 में 11 जोड़ने पर 63, 63 में 11 जोड़ने पर 74। तो ये तीन जो अनुच्छेद हैं इंपॉर्टेंट हैं कि राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद के अनुसार है, तो ये 52वां है। उसके बाद में अपना 63वां यानी 22 राष्ट्रपति का पद और 74वां यानी प्रधानमंत्री का पद। भाग 6, इसमें 152 से 237 तक के अनुच्छेद हैं। इसमें अपनी राज्य सरकार के बारे में बात किया गया है। पहले संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के बारे में बात था, अपने राज्य सरकार के बारे में, अपना जैसे राजस्थान, यूपी, इनके बारे में बात है। उसके बाद में भाग नंबर 7 है, 238 था लेकिन ऐसे अभी रद्द कर दिया गया है। करते हैं भाग नंबर 8, उसमें अनुच्छेद नंबर 239 से 241 तक यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात किया गया है, 242 को रद्द कर दिया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं भाग नंबर 9, 9 में 243 से A to O पंचायतों के बारे में बताया गया है, और 10 में 9 का ही ए, 10 नहीं 9 का ए है, जिसमें 243 से P to ZG तक अपनी म्यूनिसिपलिटी यानी नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। ये जो संविधान, ये जो अपने पंचायतें और ये नगर पालिकाएं, ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। तो याद रख लेना, पंचायतें जो है 73वां संविधान संशोधन और नगर पालिकाएं 74वां संविधान संशोधन, दोनों ही 1992 में पीवी नरसिंह राव की सरकार के द्वारा लाए गए थे। तो ऐसा, तो बाकी तो ये हम आगे पढ़ेंगे ही, जब अपने संविधान संशोधन में आएगा तब भी और उसमें देखेंगे गौर से। अब आते हैं भाग नंबर 10 पर, आप स्क्रीन पर देखते चलिए। भाग नंबर 10 रोमन संख्या में आपको दिख रहा होगा, इसमें अनुच्छेद नंबर 244 और 244A दोनों को शामिल किया गया है। ये शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेशल बनाए गए हैं, यानी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए स्पेशल इसमें प्रावधान किए गए। उसके बाद नंबर भाग 11 आप देख रहे होंगे रोमन संख्या में, इसमें अनुच्छेद नंबर 245 से 263 संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध के बारे में बात की गई है। भाग नंबर 12, 264 से 300A इसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, अनुबंध और सूट्स यानी दावे के बारे में बात की गई है। भाग नंबर 13, 301 से
307 तक इसमें ट्रेड कॉमर्स यानी व्यापार और वाणिज्य विद इन इंडिया भारत के अंदर कैसे होगा इसके बारे में बात की गई है। भाग नंबर 14 308 से 327 सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स यानी अपने संघ और राज्यों के अंदर जो सर्विसेज होंगी उनका सिलेक्शन वगैरह कैसे किया जाएगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, क्या क्या वेतन रहेंगे, ये सारी चीजें भाग नंबर 14 में वर्णित की गई हैं। तो यूपीएससी और आरपीएससी वगैरह जैसे संस्थान है वो इन्हीं में से किसी अनुच्छेद के अनुसार आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं भाग नंबर 14A, इसमें 323A और 323B ये बाद में जोड़ा गया था। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाए गए थे यानी प्रशासकीय प्राधिकरण, ये जो था 42वां संविधान संशोधन है। उसके बाद में भाग नंबर 15, ये मैं फर्स्ट में पढ़ रहा हूँ क्योंकि इनका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे हम देखेंगे क्या क्या हमें याद करना है वो देख लेंगे। भाग नंबर 15 324 से 329 इसमें चुनावों का प्रावधान है, चीफ इलेक्शन चीजें इसमें बताई गई हैं। उसके अलावा आरपीए एक्ट जो है वो बाद में बनाया गया था, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है बाद में बनाया गया था। भाग नंबर 16 330 से 342 इसमें विशेष प्रावधान है यानी आरक्षण से संबंधित कुछ प्रावधान है। भाग नंबर 17 343 से 351 ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा के बारे में बात की गई है। पार्ट नंबर 18 352 से 360 एमरजेंसी प्रोविजन यानी आपातकाल, आपातकाल तीन तरीके के होते हैं, 352, 356 और 360। तो वो आगे हम जब अपनी लेक्चर सीरीज चलेगी तब उसमें डिटेल से एनालिसिस करेंगे और मुख्य अनुच्छेदों में मैं कल बताऊंगा इसके बारे में। तो एमरजेंसी प्रोविजन तीन है, 352, 356 और 360। 352 जो है अपना राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 जो अपना राज्य आपातकाल है और 360 वाला जो है अपना वित्तीय आपातकाल है। उसके बाद हम बात करते हैं भाग नंबर 19 361 से 367 इसमें भी मिसलेनियस प्रावधान है, अन्य प्रावधान है। उसके बाद में भाग नंबर 20 368 यानी संविधान में संशोधन कैसे करना है। भाग नंबर 21 369 से 92 यानी अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है इसमें। तो अपना कुछ एक राज्यों के लिए स्पेशल प्रावधान किए गए थे, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए 370 अनुच्छेद के अनुसार अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान किया गया था, तो भाग नंबर 21 में आता है। उसके बाद में भाग नंबर 22 393 से 395 इसमें लघु शीर्षक और अपनी शुरुआत और आधिकारिक शब्द वगैरह इसमें डाले गए हैं। तो इस तरीके से टोटल 22 भाग हैं, बाकी बीच में दो तीन भाग और जुड़ गए हैं तो 25 भाग मान लिए जाते हैं। तो अब ये याद कैसे करना है इसके लिए मेरी ट्रिक है, इसे आप दो तीन बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आपकी स्क्रीन पे मैं ट्रिक लगा देता हूँ और मैं उसे पढ़ता चलता हूँ और आपको बताता चलता हूँ किस तरीके से। देखो ट्रिक इस तरीके से है, मैं बोल रहा हूँ चार पार्टों में, ये यूनियन एवं टेरिटरी के नागरिकों को ये अधिकार है कि वो अपने डायरेक्टर प्रिंसिपल की नीति और कर्तव्यों को केंद्र व राज्य सरकारों को दे दें, ये पहला भाग हुआ। इसमें से आप यूनियन और टेरिटरी पे गोला देख रहे होंगे, ये पहला भाग है यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये पहला भाग हुआ। उसके बाद में नागरिकों पर गोला देख रहे होंगे तो ये अपना सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में बताया गया है, तो दूसरे भाग में अपनी नागरिकता की बात आती है। अधिकार पर आप देख रहे होंगे गोला, वो अपना भाग नंबर 3 मूल अधिकार भाग 3 में शामिल किए गए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो अपने हैं भाग नंबर 4 में शामिल हैं। उसके बाद में कर्तव्य भाग नंबर 4A में शामिल किए गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद में हम आते हैं केंद्र व राज्य सरकार, तो केंद्र जो है भाग नंबर 5 में है और राज्य जो है पार्ट नंबर 6 में है। अगला जो पैरा है मैं बोलता हूँ, यूटी कौम पंचायत एवं नगर पालिकाओं में रहने वाले एसटी यानी अनुसूचित जनजातियों को केंद्र व राज्यों के बीच में संबंध बना के रहना पड़ेगा जिससे कि उनको वित्त संपत्ति कॉन्ट्रैक्ट एवं व्यापार उनके क्षेत्र में मिल सके, ये दूसरा पैरा है। तो इसमें यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अपने भाग नंबर 8 में, पंचायत पार्ट नंबर 9 में, नगर पालिकाएं पार्ट नंबर 9 है, याद रखना पंचायत 9 में है और नगर पालिका 9A में, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं एसटीज यानी अनुसूचित जनजातियों का विशेष प्रावधान जो है वो अपने भाग 10 में है। उसके बाद में केंद्र राज्यों के बीच में संबंध जो है पार्ट 11 में। उसके बाद में वित्त संपत्ति कॉन्ट्रैक्ट जो है पार्ट 12 में है। उसके बाद में व्यापार और वाणिज्य जो है वो अपने भाग 13 में है। अगला मेरा मैं पढ़ता हूँ, केंद्र व राज्यों के बीच में जो सर्विस सेवाएं हैं उनके लिए प्राधिकरण में चुनाव होगा और एसटी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण मिलेगा। तो इसमें सर्विस को गोला लगाया हुआ है भाग नंबर 14 यानी अपनी राज्य और केंद्र की जो सेवाएं होंगी यूपीएससी आरपीएससी वगैरह, तो वो उसमें भाग नंबर 14 में आएंगी। प्राधिकरण यानी ट्राइब्यूनल जो है वो अपने भाग नंबर 14A में जोड़े गए हैं। उसके बाद में चुनाव का जो प्रावधान है पार्ट नंबर 15 यानी 15 में है। एसटी एससी ओबीसी के लिए आरक्षण पार्ट नंबर 16 में। आधिकारिक भाषा एवं आपातकाल को स्वीकार किया जाएगा तथा अन्य तरीके से संविधान संशोधन करेंगे, लेकिन वो अस्थायी संक्रमणकालीन एवं लघु शीर्षक होगा।
तो आधिकारिक भाषा भाग नंबर 17 है, आपातकाल भाग नंबर 18 है, अन्य तरीके भाग नंबर 19, संविधान संशोधन भाग नंबर 20, अस्थायी संक्रमणकालीन भाग नंबर 21 और लघु शीर्षक भाग नंबर 22। तो ये आपको दो चार पांच बार बोलना है, रटना है, ये तो आपको किसी भी तरीके से ट्रिक है। वैसे तो आप 22 भागों को रट नहीं पाओगे, पर इस तरीके से आप याद कर लोगे तो रट लोगे। तो मैं एक बार दोबारा से पूरा फास्ट वे में बोलूंगा इसे, आप गौर से देखते चलिए और अनुमान लगाते चलिए कि कौन कौन से शब्द से कौन कौन से भाग बन रहे हैं। गोला लगा हुआ है सभी जगह, आप देख सकते हैं कौन से भाग के लिए कौन सा गोला है। मैं दोबारा बोलता हूं पूरी ट्रिक। यूनियन एवं टेरिटरी के नागरिकों को ये अधिकार है कि वो अपने डायरेक्टर प्रिंसिपल की नीति और कर्तव्यों को केंद्र व राज्य सरकारों को दे दें। यूटी कौम पंचायत एवं नगर पालिकाओं में रहने वाले एसटी अनुसूचित जनजातियों को केंद्र व राज्यों के बीच में संबंध बना के रहना पड़ेगा, जिससे कि उनको वित्त संपत्ति कॉन्ट्रैक्ट एवं व्यापार उनके क्षेत्र में मिल सके। केंद्र व राज्यों के बीच में जो सेवाएं हैं उनके लिए प्राधिकरण में चुनाव होगा। एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण मिलेगा। आधिकारिक भाषा एवं आपातकाल को स्वीकार किया जाएगा तथा अन्य तरीके से संविधान संशोधन करेंगे, लेकिन वो अस्थायी संक्रमणकालीन एवं लघु शीर्षक होगा। तो ये संविधान के 22 भागों को हमने पूर्ण रूप से देख लिया है, बाकी तो अपनी लेक्चर सीरीज जब चलेगी तो उसमें हम और डिटेल से देखेंगे। उसके बाद में 12 अनुसूची आती हैं, 12 अनुसूचियों की ट्रिक भी है, बहुत आसान ट्रिक है, उससे तो सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो ये 12 अनुसूचियों वाली ट्रिक तो आप रट ही लेना। पहले मैं 12 अनुसूची बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूँ। 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 थी, उसके बाद में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। एक बार देखते चलिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहली अनुसूची यानी प्रथम शेड्यूल जो है उसमें 1 से 4 तक के जो अपने आर्टिकल अनुच्छेद हैं और उसमें राज्य तथा यूटी के क्षेत्रों का यानी केंद्र शासित प्रदेशों का कौन सा क्षेत्र है इसके बारे में विवरण मिलता है। द्वितीय शेड्यूल यानी सेकंड शेड्यूल जो है अपना, इसमें मानदेय एवं भत्ते हैं, तो इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं 59(3), 65(3), 75(6), 97(125), 148(3). तो ये अनुच्छेद हैं, इनमें अलग अलग जो लोग हैं उनकी जो कितने वेतन मिलेंगे, कितना उसके लिए पेमेंट मिलेगा, ये लिखा हुआ है। तो उसमें पार्ट ए में अपने राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में बताया गया है, पार्ट बी को अभी रद्द कर दिया गया है, इसी के भाग के अंदर बात चल रही है शेड्यूल नंबर 2 के अंदर। पार्ट सी में अपने स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, इन सभी के जो वेतन होंगे उनके बारे में बताया गया है। पार्ट डी में SC ST SC यानी सुप्रीम कोर्ट, HC हाई कोर्ट के जजों के वेतन के बारे में बताया गया। पार्ट ई में कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन के बारे में बताया गया है। ये हम जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि हमें ट्रिक याद करनी है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास रहेंगे तो आप इसमें से कुछ भी देख सकते हो बाद में, पर ट्रिक याद करना जरूरी है। शेड्यूल नंबर 3 जो है अपना, अनुसूची नंबर 3 में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, 75(4), 99, 124(6), तो इसमें शपथ के प्रकार हैं। शेड्यूल नंबर 4 अनुसूची नंबर 4 में 2 अनुच्छेद हैं, 4(1) और 80(2), इसमें राज्यसभा में सीटों का वितरण किस तरीके से किया जाएगा ये है। शेड्यूल नंबर 5 अनुसूची नंबर 5 में 244(1) अनुच्छेद है, इसमें SC ST क्षेत्रों पे स्पेशल नियंत्रण यानी प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में बात की गई है। 6 जो शेड्यूल है, छठवां जो शेड्यूल है अनुसूची है, उसमें कुछ अनुच्छेद हैं 244, 275, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पे प्रशासन कैसे रखना है इसके बारे में बात की गई है। शेड्यूल नंबर 7 ये अपना 240 अनुच्छेद है, इसमें जो 3 भाग बटे हुए हैं अपनी, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, इसके बारे में बात की गई है। यानी यूनियन यानी संघ के अंदर कौन कौन सी सूची आएंगी, राज्य के अंदर कौन कौन सी सूची आएंगी और समवर्ती सूची कौन कौन सी होंगी, कार्य करने के लिए सूची बनाई गई है, आगे हम देखेंगे वो सारी चीजें। उसके बाद में शेड्यूल नंबर 8, इसमें 344(1) और 351 है, तो कुल मिलाकर 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, 22 आधिकारिक भाषाएं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। उनमें से जो पिछली 4 जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 4 आधिकारिक भाषाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले मैं 22 भाषाओं को बोलता हूँ और उन चारों को बताता हूँ। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, आप देखते चलिए स्क्रीन पर, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इनमें से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये नाम आपको रटे होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि लास्ट में जो 4 आधिकारिक भाषाएं जोड़ी गई हैं उनमें से कौन सी आधिकारिक भाषा है नहीं, तो उनमें 3 का नाम दिया जाएगा और चौथी जो अलग भाषा दे दी जाएगी, तो उस तरीके से टिक लगाना है। अगला अनुसूची, 9वीं अनुसूची जो है वो, उसमें अनुच्छेद 31(b) अपना एक तरीके से मान सकते हो, संपत्ति का अधिकार जो था उसे हटा करके उधर की साइड में कानूनी अधिकार बना दिया गया था।
तो ये अपना 1951 में ही संविधान में संशोधन कर दिया गया था, भूमि सुधार कानून लेके आए थे और जमींदारी उन्मूलन इसमें संबंधित है, भाग नंबर 9 में। उसके बाद में बात करते हैं 10th शेड्यूल, 10वां, ये दल बदल पर आधारित है। ये 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। 11वां शेड्यूल जो है वो 243 जी, पंचायतों की शक्तियां एवं दायित्व, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लाए गए थे। और 12वीं जो अनुसूची है उसमें 243 W, नगर पालिकाओं की शक्ति एवं दायित्व, इसमें 18 विषय हैं, ये भी 73 के बाद में 74। 73 जो है अपना पंचायतों से संबंधित है, 74 जो है अपना नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो मैं इसकी ट्रिक आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूँ, बहुत आसान ट्रिक है और ये आपको 12 नाम याद ही होने चाहिए, पूछा जाता है हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ट्रिक है, स्पोर्ट सूची में, स्पोर्ट्स आप देख रहे होंगे, स्पोर्ट सूची में क्षेत्रीय भाषाओं की संपत्ति दल बदल के आधार पर पंचायत व नगर पालिकाओं को दे देंगे। स्पोर्ट्स में कितने शब्द आ रहे हैं, स्पोर्ट में आ रहे हैं 6 शब्द, इनमें से एक एक शब्द का इंपॉर्टेंस है। पहला है स्पोर्ट, एस, स्टेट और यूटी का जो क्षेत्र होगा स्पोर्ट वाला। दूसरा है पी, देख रहे होंगे आप, पेमेंट यानी वेतन। तीसरा है ओथ यानी शपथ के प्रकार। चौथा है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पांचवा टी यानी ट्राइबल एरिया, तो उनका प्रशासन। एस यानी स्पेशल स्टेट के बारे में बात की गई है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 6वीं अनुसूची। सातवें में सूचियों के बारे में बताया गया है, यानी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। आठवां जो है क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में बताया गया है, 22 भाषाएं, 4 लास्ट में जोड़ी गई थी, वो आपको याद रहनी चाहिए। नौवें में संपत्ति का जो अधिकार था उसे बदल के रिपील करके वहां पे कानूनी अधिकार बना दिया गया था, और जो अमीर जमींदारी थी उसको खत्म करने का भी प्लान बनाया गया था। नौवां जो संपत्ति से रिलेटेड है। 10वां दल बदल से रिलेटेड है, बहुत बार पूछा जाता है 10वां। 10वां याद रखना, 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद में 11वां पंचायत यानी 73वां संविधान संशोधन 1992, 12वां नगर पालिका यानी 74वां संविधान संशोधन 1992। अब आगे हम चलते हैं मूल अधिकारों की तरफ। लेक्चर बड़ा ही होगा मुझे पता है, पर अभी देखते चलते हैं जो जो है, और पार्ट 3 में जो बचेगा वो हम करेंगे, क्योंकि ये मैंने बोला था क्रैश कोर्स में 70 से 80% आने वाला है आपका, तो 70 से 80% के हिसाब से ही मैंने बनाया हुआ है इसे, ठीक है। तो आप इसे गौर से देखिए। मूल अधिकारों की तरफ से जाने से पहले जो 7वीं अनुसूची है, जिसमें केंद्र की सूचियों के बारे में, राज्यों की सूचियों के बारे में और अपनी संवर्ती सूचियों के बारे में बताया गया है, वो हम देख लेते हैं कि केंद्र के हिस्से में क्या क्या आएगा, राज्य के हिस्से में क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे, वेन डायग्राम है ये गोले जैसा, बीच में संवर्ती है, एक साइड में अपना यूनियन लिस्ट है यानी केंद्र की लिस्ट है, एक साइड में अपनी राज्य की है, और इन दोनों के बीच में संवर्ती यानी इस पे दोनों बना सकते हैं कानून। तो जहाँ पे यूनियन लिस्ट है उसमें कुल मिला के 99 टॉपिक शामिल हैं। यूनियन लिस्ट में जो शामिल हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए बोल देता हूँ। डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय सीधा सीधा अपने यूनियन के अंदर आएगा। फॉरेन मंत्रालय सीधा यूनियन के अंदर आएगा। करेंसी, पैसे अगर छापने, कोई राज्य का कोई हक नहीं, सीधा सीधा केंद्र के अंतर्गत आएगा। बैंकिंग, कोई राज्य की स्पेशल बैंकिंग नहीं होती, केंद्र के अंतर्गत आती है। कम्युनिकेशन यानी जो अपना टेली कम्युनिकेशन होता है या दूर संचार जो भी होता है, वो पूरा केंद्र के, राज्य अपने लेवल पे से शुरुआत नहीं कर सकता। रेलवे केंद्र के अंतर्गत आती है। एटॉमिक एनर्जी केंद्र के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम बात करते हैं अपना राज्य, राज्य के लिए 61 टॉपिक दिए गए हैं, उनमें से हेल्थ, अपने जैसे राज्यों में जो अपने हॉस्पिटल होंगे वो सभी राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, केंद्र सरकार उन्हें नहीं बनाती है। सैनिटेशन यानी जो सफाई के लिए जो भी प्रोग्राम छोटे लेवल पे चलाए जाएंगे नगर पालिका पंचायत वगैरह में, वो अपनी राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। पब्लिक ऑर्डर यानी पुलिस, जन व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस चाहिए होती है, वो भी अपनी राज्यों के अंतर्गत आती है, यानी राजस्थान की पुलिस अलग, यूपी की पुलिस अलग, हर राज्य के लिए अलग। कृषि, कृषि दोनों में ही आता है नॉर्मली, लेकिन राज्यों का भाग थोड़ा ज्यादा होता है, बाद में धीरे धीरे इसे संवर्ती में करने की कोशिश हो गई है। तो कृषि पर अपनी केंद्र सरकार भी बनाती है और अपना राज्य सरकार भी बनाती है। ओरिजिनली ये जब संविधान बना था उसमें कृषि को अपने राज्यों में शामिल किया गया था, क्योंकि भारत जो है वो बहुत बड़ा है, भारत की जलवायु कंडीशन बहुत सारी अलग अलग है अलग अलग राज्यों के हिसाब से, तो केंद्र कृषि को नहीं संभाल सकता था, इसलिए अलग कंडीशनों के हिसाब से एग्रीकल्चर को जो है स्टेट लिस्ट में शामिल किया गया। उसके बाद में जो जेल आएंगी, कारागार जो आएंगे अपने राज्यों के लेवल पे, अपनी लिकट जो आएगी यानी मदरा जो आएगी वो अपने राज्यों के लेवल पे, बहुत सारे राज्यों में मदरा प्रोहिबिशन भी है, मदरा का निषेध है, लेकिन ये सब राज्यों के लेवल पे। और परिवहन जो अपना लोकल परिवहन जो होगा वो भी अपने राज्यों के लेवल पे, यानी राजस्थान रोडवेज, यूपी रोडवेज, इस तरीके से। अब संवर्ती सूची के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ये आपको याद कर लेने, कैसे भी करके आप याद कर लीजिए, और आप पीडीएफ नोट्स तो है ही, उसके साथ में आप खुद से नोट्स बना लीजिए बाई एंड, तो आपको याद हो जाएंगे। अपना बिजली जो होगा वो संवर्ती सूची में होगा, 52 भाग है संवर्ती सूची में, 52 जो टॉपिक है वो है। जो वन आएंगे, फॉरेस्ट आएंगे, वो अपनी संवर्ती सूची में। शिक्षा अपनी संवर्ती सूची में। मैरिज और डिवोर्स
संवर्ती सूची में क्रिमिनल लॉ और स्टाम्प ड्यूटी, ये सब संवर्ती सूची में है। तो संवर्ती सूची में जो है 52 टॉपिक हैं, यूनियन लिस्ट में 99 टॉपिक हैं और स्टेट लिस्ट में 61 टॉपिक्स हैं। अब ये याद रख सकते हैं, अनुच्छेद जो है वो 240 पार्ट ए अपने केंद्र लिस्ट का है, 240 पार्ट दो संवर्ती सूची का है, 240 पार्ट थ्री राज्य सूची का है। जस्टिसिएबल पार्ट जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो न्याय योग्य जो पार्ट है, फंडामेंटल न्याय योग्य है, डीपीएसपी न्याय योग्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी यानी अपने मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो न्याय योग्य नहीं है, और प्रियम्बल जो है वो जो न्याय योग्य नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा हुआ कि 1975 के आसपास में इंदिरा गांधी ने संविधान में बहुत बड़े बदलाव कर दिए थे 1976 में 75 में, और इमरजेंसी लेके आ गई थी। तो उस समय संविधान से ऊपर अपने आप को बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट समझ गया इन बातों को कि आगे अगर ऐसा नहीं करना है तो पहले हम कुछ एक रूल बना देते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं संविधान का, जिससे कोई छेड़छाड़ ना कर सके। अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली नल एंड अबॉर्ड होगा, यानी गलत मान लिया जाएगा। तो इसमें 5 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की सर्वोच्चता, ये हमेशा ही रहेगी। 1976 में इंदिरा गांधी ने कोशिश की थी कि संविधान को बाद में ले आए, प्रधानमंत्री को ऊपर पहुंचा दिया जाए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में अब ये बात कह दी गई है कि संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान से ऊपर कोई राष्ट्रपति नहीं है, संविधान से ऊपर कोई संसद नहीं है, संविधान से ऊपर कोई अपना प्रधानमंत्री नहीं है। कल वाले लेक्चर में, लास्ट वाले लेक्चर में, पार्ट वन में मैं बता ही चुका हूँ इस सारी चीजों को। रूल ऑफ लॉ, इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, रूल बाय लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ है। दूसरा बिंदु है रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये तो है, लोकतंत्र रहेगा भारत और गणतंत्र रहेगा, हमेशा ही लोकतंत्र रहेगा। ऐसा नहीं कोई राजाभाषा ही शुरू हो जाए कि एक व्यक्ति के मन में आ गया मैं प्रधानमंत्री बन गया तो हमेशा के लिए मुझे ही प्रधानमंत्री रहना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक। उसके बाद में सेक्युलर करेक्टर, यानी भारत जो है पंथ निरपेक्ष है, वो सेक्युलर हमेशा ही रहना चाहिए। उसके बाद में लेजिस्लेटिव, एजुक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों की जो शक्तियां हैं उनका अलग अलग पृथक्करण किया गया है, और जो उन पृथक्करण है उसमें कोई एक दूसरे के साथ में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक्चुअली में आप देखिए, ध्यान से देखिए, अपना जो लोकतंत्र होता है उसके 3 स्तंभ होते हैं। एक होता है विधायिका, विधायिका जो होती है वो कानून बनाती है, ठीक है। दूसरा होता है अपना कार्यपालिका, कार्यपालिका जो होती है कानूनों का पालन करवाती है। और एक होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका चेक करती रहती है कि विधायिका ने जो कानून बनाए हैं वो संविधान के अनुसार है या नहीं है। न्यायपालिका चेक करती रहती है कि कार्यपालिका सही ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही। विधायिका कानून बनाना, कार्यपालिका कानूनों का पालन कराना, न्यायपालिका कानूनों की देखरेख करना, कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए, विधायिका में अपना ही संसद शामिल हो जाती है, एमपी जितने भी होंगे, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही विधायिका में शामिल होंगी। तो कानून बनाने का काम तो संसद करती है, संसद में कोई कानून बनाना है तो पहले तो अपने मंत्रिपरिषद में बैठक होती है, मंत्रिपरिषद में उसका ड्राफ्ट यानी प्रारूप बनाया जाता है कि किस तरीके का कानून होना चाहिए। उस ड्राफ्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि वो कानून बन गया, अब उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कराना पड़ेगा, पास होने के बाद में वो कानून बनता है। तो कानून बनाने का काम कौन कर रहा है? विधायिका। अपने केंद्र के लेवल पे हो गई संसद, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यों के लेवल पे हो गई विधानसभा। उसके बाद में कार्यपालिका, कार्यपालिका जो होती है वो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, अपने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी अपनी कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। यानी कानून तो बन गया, अब हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट बना दिया, यानी खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना दिया, अब लोगों को 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 1 रुपए किलो जो गेहूं वगैरह जो देना है वो अब कार्यपालिका का काम है, उसे इंप्लीमेंट कराना, उसका पालन कराना, पहुंचना चाहिए लोगों तक। कैसे भी करके कोई भी सिस्टम बनाओ तो ऊपर से नीचे तक पूरा प्रोसेस चलती रहती है। इसमें कार्यपालिका में अपने आईएएस वगैरह भी शामिल होते हैं, अपने मंत्रिपरिषद भी शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, और नीचे तक के लेवल के जो कर्मचारी हैं वो भी सब शामिल होते हैं। छोटे लेवल पर अगर जो डीलर है, जो डीलर जो राष्ट्र में राशन बांट रहा है, वो भी अपनी कार्यपालिका में शामिल हो सकता है, उसमें शामिल हो जाता है, उसे सरकारी कर्मचारी अगर है, गवर्नमेंट जॉब में है तो वो अपने कार्यपालिका में शामिल हो जाता है। तो ये एक दूसरे पर चेकिंग करते रहते हैं, न्यायपालिका विधायिका को देखती रहती है, विधायिका न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति कराने में रोल निभाता है, कार्यपालिका को देखती रहती है न्यायपालिका, कार्यपालिका भी न्यायपालिका को चेक करता रहता है, इधर की साइड में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। तो ये होता है चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम, चेक्स एंड बैलेंस, एक तरीके से एक दूसरे को चेक भी कर रहे हैं और संतुलन भी बना हुआ है इस तरीके से। तो अपना जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि इसकी शक्ति अलग है, इसकी शक्ति अलग है, इसकी शक्ति अलग है, तीनों की अलग अलग शक्ति है, इसको कानून बनाना है, इसको कानूनों का पालन कराना है, इसको कानूनों की देखरेख करना है। न्यायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम कानून
कानूनों का पालन कराना और न्यायपालिका का काम कानूनों की देखरेख करना। अब ये एक दूसरे के हस्तक्षेप नहीं कर सकते, दूर से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये इसमें इसकी शक्तियों का पृथक्करण है और पृथक्करण बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो काम विधायिका को करना था वो काम मजबूरी में न्यायपालिका को करना पड़ रहा है। विधायिका को करना था जो काम, जैसे कि अपना समान नागरिक संहिता जो कि अब तक लागू हो जानी चाहिए थी, यानी ट्रिपल तलाक वाला जो मुस्लिम लॉ एक्ट है, पर्सनल लॉ है, वो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। अब तक विधायिका उस काम को नहीं कर पाया तो न्यायपालिका ने उसे निर्देश दिया कि अब करो, नहीं करोगे तो फिर हम खुद नियम बनाएंगे। तो विधायिका के काम में ये हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो इसलिए विधायिका ने अभी अपनी नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक को खत्म करने का कानून लेके आ गए हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे को चेक भी करते रहते हैं और शक्तियां भी अलग अलग हैं। कभी कभी क्या होता है कि न्यायपालिका इनकी इनके नियमों को भंग कर देता है, क्योंकि वो सबसे ऊपर चेक करता रहता है न्यायपालिका कि सबसे ऊपर संविधान रहना चाहिए। अगर संविधान के अनुसार कोई नियम नहीं बनाया जा रहा है तो न्यायपालिका भंग कर सकता है। जैसे कि NJAC, जो मैंने आपको 99 वाला संविधान संशोधन बताया था, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन, विधायिका ऐसा कमीशन लेके आ गई, आयोग लेके आ गई कि हम जो नियुक्ति करेंगे उसमें तीन लोग जो है राजनीतिक लोग रख लिए गए थे, तीन जो है अपने न्यायपालिका के रख लिए गए थे। लेकिन न्यायपालिका ने कहा नहीं, NJAC जो है वो अपने संविधान के नियमों के अनुसार से नहीं बन रहा है, ये हमारी शक्तियों का हनन है। तो उसे NJAC को खत्म कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। तो ये आप याद रख लेना। पांचवा जो है सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन लेजिस्लेचर यानी अपना विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी अपनी कार्यपालिका, जुडिशरी यानी अपनी न्यायपालिका। उसके बाद में फेडरल करेक्टर यानी अपने संघीय करेक्टर के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता। अब आते हैं हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की जो शुरुआत करेंगे वो फंडामेंटल राइट से करेंगे, मूलभूत अधिकारों से करेंगे। तो मूलभूत अधिकार जो है अपने भाग नंबर 3 में आपको पता ही है, आप स्क्रीन पर देखिए सारी सारी। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, कुल मिला के 6 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद नंबर भाग नंबर 3 में मूल अधिकार आते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन है। मूल अधिकार जो होते हैं वो किसी भी नागरिक के इनवॉयलेट राइट होते हैं, जिन्हें अभेद्य अधिकार, जिनका हनन नहीं किया जा सकता। तो कुल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन बाद में पता चला कि जो अपना संपत्ति का अधिकार है उससे काम नहीं चल सकता, क्योंकि भूमि अधिग्रहण जो होता है वो अपनी सरकार जमीन को लेती है रोड्स वगैरह बनाने के लिए, प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए। अगर वो मूल अधिकार रहा तो हर लोग, कोई भी लोग जा करके कोर्ट में जा सकता है कि ये मेरा मूल अधिकार है, मुझे जमीन नहीं बेचनी। तो वो सरकार को समझ में आ गया तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अभी सिर्फ 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकारों को याद करने की ट्रिक है। समस्त शोध धर्म एवं संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। सम से बना हुआ है समानता, यानी 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। उसके बाद में स्थिर यानी स्वतंत्रता, 19 से 22 तक इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें 5 अधिकार हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा 5 कैसे होते हैं। उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी 23 और 24, शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आगे बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 25 और अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके अलावा संस्कृति एवं शिक्षा का जो अधिकार है 29 और 30 में। उसके बाद में उपचार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 32 में। और 31 में जो था अपना संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया है और उसे अभी कानूनी अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद नंबर 301 में डाल करके। अब शुरू करते हैं समानता के अधिकार से, पहले पहले वाले से। देखो मूल अधिकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अभी तो इतना ज़्यादा मैं पूर्ण रूप से समझा नहीं पाऊंगा, आगे डिटेल में देखेंगे तब समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। फिर भी मेरी आदत है कि थोड़ा बहुत तो बताना पड़ता है, क्यों रटाना नहीं है मेरा उद्देश्य, तो समझाना पड़ता है, तो मैं समझाता चलूंगा जो जो बिंदु है। देखो समानता के अधिकार में अनुच्छेद नंबर 14 से 18, कुल मिलाकर 5 अनुच्छेद हुए, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। अनुच्छेद नंबर 14 कहता है कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के समक्ष समानता, कि सभी लोग कानून के नीचे हैं और सभी कानून के लिए समान है। इसका मतलब ये कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या हम और तुम हो, तो कानून के लिए सभी समान है। अगर वो भी अगर कोई गलती करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो उन्हें भी वही सजा मिलेगी जो हमें मिलनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अभी नॉर्मली सभी के लिए समान होता है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 15, इसमें प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है। तो ये इसे आप डी नाम से याद कर सकते, यूज किया जाएगा। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 16, लोक सेवा में अवसरों की समानता, अपॉर्चुनिटी वाला, कि हर व्यक्ति को कोई भी अगर जगह निकलेगी तो सभी के लिए समान अवसर मिलेंगे। लेकिन अब इसमें क्या है कि बाद में आरक्षण वाला प्रावधान जोड़ दिया गया,
तो वो उसमें आगे विशेषता उसमें एक स्पेशल अनुच्छेद में प्रावधान, इसी में प्रावधान किया गया है कि राज्य स्पेशल कंडीशंस में स्पेशल आरक्षण दे सकता है, बाकी कुछ एक अनुच्छेद जो आएंगे उनमें भी बात की जाती है। 17वां है छुआछूत का अंत और 18वां है पदवियों का अंत। तो ये आपको 14 से लेके 15 तक इस तरीके से आने बदलनी चाहिए। पहला हुआ लॉ के समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो उसमें से लॉ याद कर लीजिए। दूसरा हुआ भेदभाव निषेध यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी डी याद कर लीजिए। तीसरा हुआ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता, तो ओ याद कर लीजिए। चौथा हुआ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का अंत, इसमें यू याद कर लीजिए। और पदवियों का अंत, इसमें टाइटल यानी टी याद कर लीजिए। तो इसका जो ट्रिक है वो है लॉ रिमूव्स अवर डाउट, यानी जो कानून होता है हमारे डाउट्स को खत्म करता है। तो नीचे देख लीजिए ट्रिक में लॉ अनुच्छेद नंबर 14 रिमूव्स अवर, इसके लिए कुछ याद नहीं रखना है, डाउट्स डी ओ यू टी। अब इसमें से डी का मतलब हुआ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव अनुच्छेद नंबर 15, ओ यानी अपॉर्चुनिटी यानी अवसर अनुच्छेद नंबर 16, यू अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत अनुच्छेद नंबर 17, टी टाइटल का अंत यानी पदवियों का अंत अनुच्छेद नंबर 18। तो ये अपने समानता के अधिकार हुए, इनका डिटेल में बाद में ही एनालिसिस करेंगे। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 5 अधिकार आते हैं, पहले 4 थे, बाद में एक अपना 21A जोड़ दिया गया शिक्षा का अधिकार। तो देखिए 19वां जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में 20वां है अपराधों के दंडित होने के संबंध में संरक्षण, कन्विक्शन, अपराधों के दंडित होने के संबंध में संरक्षण सी, इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद में 21वां है जीवन व व्यक्ति का स्वतंत्रता की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 19वां, 21वां और 14वां, ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे मैं आपको बताता हूँ। अभी इसमें 21A है शिक्षा का अधिकार और 22 जो है वो गिरफ्तारी व हिरासत से संरक्षण वाला। तो इस तरीके से इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में कुल मिला के 5 भाग हैं। देखिए अब 19 नंबर अनुच्छेद की स्पेशल बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति यानी बोलना, आपको पूर्ण आज़ादी है आप जो बोलना चाहो उसकी, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। इसका आज़ादी है इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मन में आए वो बोलते जाएं। अपने केजरीवाल जी जब मन में आता है मुंह उठा के बोल देते हैं कि जेटली जी ने 2 करोड़ का घोटाला किया, उनके पास कोई सबूत नहीं है, बोल दिया। अब इससे जेटली जी की तो छवि खराब हो रही है, अगर उन्होंने किया होता और वो सिद्ध कर देते तब तो बात अलग है। अब जेटली ने नहीं किया जैसे, तो जेटली उनके खिलाफ में डिफेमिनेशन यानी एक तरीके से उनकी छवि को खराब करने का केस दर्ज करा सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ में। इसका मतलब यह नहीं कि आपको मेरे मन में वारा है मुझे सामने वाले को गाली देनी है, नहीं, गाली आप नहीं दे सकते। आपको आज़ादी अपने मन की बात बोलने की, लेकिन ऐसी आज़ादी भी नहीं है कि दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी 19 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना मीडिया अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19 के तहत ही काम करता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का फायदा उठा उठा करके मीडिया जो है अपना प्रोपागेंडा चलाता रहता है। आज के समय पे प्राइवेट चैनलों ने की हालत इतनी खराब की हुई है कि आप जाओगे तो वहाँ पे आप सिर्फ लड़ाई लड़ाई देखोगे। पता नहीं कैसे पैनलिस्ट को बुला लिया जाता है, मूर्खों को बुला बुला के आपस में लड़ाई कराई जाती है। खुद एंकरों को कुछ नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। आप प्राइवेट चैनल मत देखा करें मेरे हिसाब से। अगर आपको तैयारी कर रहे हैं और डिबेट्स देखनी है तो राज्यसभा टीवी देखें, लोकसभा टीवी देखें, डीडी न्यूज देखें, या अपने रवीश कुमार की वो देख सकते हो आप जो प्राइम टाइम आता है। उसके अलावा आप जो है अपने प्राइवेट चैनल से ना दिखा करें, सारे के सारे टीआरपी बेस्ड चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य है, भले ही जनता की भावनाओं के साथ कितना भी खिलवाड़ हो जाए, उसमें जनताओं के साथ भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करते रहे वो, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सन 2012 में मुंबई में जब बाला साहब ठाकरे की जो डेथ हुई थी, तो उस समय एक लड़की ने ट्वीट कर फेसबुक पे अपना पोस्ट डाल दिया था, क्योंकि उस समय बाला साहब ठाकरे की मृत्यु के बाद में पूरा मुंबई जो था वो जाम हो गया था, एक तरीके से बंद हो गया था, वहाँ पे कोई सारी दुकानें बंद कर दी गई थी। तो एक लड़की ने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे अपना पोस्ट डाल दिया कि ऐसा कौन सा महान व्यक्ति था जो मर गए और उसके बाद में पूरा मुंबई जाम हो गया। उसी बात पे महाराष्ट्र की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था उस लड़की को। लेकिन ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें उन्होंने क्या गलत बोल दिया? अगर उन्हें वो व्यक्ति महान नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है इस बात में, लेकिन वहां पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई थी इस बात के ऊपर। ऐसे ही अपनी पश्चिम बंगाल सरकार है, वहां पे पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ एक कार्टूनिस्ट ने कार्टून छाप दिया तो उस कार्टूनिस्ट को जेल में डाल दिया गया। तो आपको अधिकार है सब कुछ बोलने का, सरकार के खिलाफ बोलने का तो आपको पूर्ण अधिकार है, बस आप गाली मत दीजिए और ऐसा कुछ मत बोलिए जो आपके पास में सबूत ना हो।
तो आपको पूर्ण अधिकार है सरकार के खिलाफ बोलने का, आपको पूर्ण अधिकार है जो आपके मन में आए। आपको भगवान को नहीं मानना है मत मानिए, अब इससे दूसरों की भावना थोड़ी ठेस होने वाली है। नहीं मानना है और आप बोल सकते हो इस बात को, भगवान को मानना है तो आप इसमें को भी बोल सकते हो, लेकिन इससे भावनाएं ठेस नहीं होती है। भावनाएं तब ठेस होती है जब आप किसी भगवान को स्पेशली गाली देते हो। आपको भगवान नहीं मानना है मत मानिए, खूब स्पेशली बोल दीजिए कि मैं नहीं मानता भगवान को, लेकिन आप भगवान को जाके गाली देते हो, किसी दूसरे भगवान को गाली देते हो, तो वो गलत है, उससे किसी दूसरे की भावनाएं ठेस होती है। तो वहां पे आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। मैंने चार आर्टिकल बताए, मेंस एग्जाम में RS हो या IAS, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 14, 19 और 21 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। 21 कहता है कि जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, लाइफ एंड लिबर्टी। एक्चुअली में शुरुआत में तो ये बहुत छोटा सा था, बस इतना बोल दिया गया कि आपको जीवन एवं लिबर्टी यानी जीवन जीने के अधिकार है, बस। आपका कोई भी सरकार आपका जीवन नहीं छीन सकती। जब भारत में आपातकाल लगती है, किसी भी कंडीशन की आपातकाल हो, 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल हो, 356 यानी राज्य आपातकाल हो, 360 यानी वित्तीय आपातकाल हो, आपातकाल का मतलब होता है आपके मूल अधिकारों का एक तरीके से स्थगन हो जाना, आपके मूल अधिकार इस समय हटा लिए जाते हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ एक आर्टिकल 21 जो है वो सरकार कभी भी नहीं हटा सकती, किसी भी आपातकाल की कंडीशन में नहीं हटा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि आपातकाल में भी सरकार आपके जीवन जीने के अधिकार को नहीं छीन सकती। आपातकाल में सरकार आपसे रुपए ले सकती है, आपकी संपत्ति को हड़प सकती है, आपको जबरदस्ती कहीं फौज में भेज सकती है आपातकाल में, लेकिन आपको मार नहीं सकती सरकार। आपातकाल में सरकार आपको बिना पूछे गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन आपको मार नहीं सकती। अगर मार रही है तो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट सरकार को सजा सुनाएगा। तो अनुच्छेद नंबर 21 ये कभी भी स्थगित नहीं होता है, ये हमेशा रहता है। ये स्पेशल इंडियंस के लिए मिले हुए अधिकार हैं सारे के सारे, और कुछ एक विदेशियों के लिए भी अधिकार हैं, लेकिन इनमें से कुछ अलग हो जाते हैं, उनमें कुछ एक अधिकारों को कम कर दिया जाता है। तो लाइफ एंड लिबर्टी वाला जो अधिकार है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले शुरुआत में सिर्फ इतना बोल दिया गया कि आपको केवल जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन धीरे धीरे इस अधिकारों में बढ़ोतरी होती गई। आप देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे लगाऊं, किसी व्यक्ति को अगर विदेश जाना है और सरकार उसे नहीं रोक सकती, अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है और आप विदेश जाना चाह रहे हो तो आप सरकार नहीं रोक सकती, तो राइट टू अब्रॉड ये अपना अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत शामिल हो गया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू प्राइवेसी। मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं पर आप सुनते रहिए। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है। आधार का नाम सुना होगा, आधार का नाम ले लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई जाती हैं कि हमारी यह राइट टू प्राइवेसी का हनन है, निजता का हनन है। राइट टू प्राइवेसी जो है वो अपने जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। किस तरीके से, कि आप किसी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, या अपने माता पिता से बात कर रहे हो, या किसी बिजनेस डील कर रहे हो, उसमें आपकी फोन की रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती, आपकी जो आप कॉलिंग कर रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। अगर सरकार ऐसा कर रही है तो आपके जीवन जीने के अधिकार का हनन है, यानी आर्टिकल नंबर 21 का हनन है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब याचिकाएं गई तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत सामान्य नागरिकों को ये अधिकार भी है कि राइट टू प्राइवेसी यानी उनके निजता का अधिकार है। वो अपने घर के अंदर क्या कर रहे हैं, फोन पे किससे बात कर रहे हैं, क्या डील कर रहे हैं, इसको सरकार जबरदस्ती नहीं देख सकती। उस व्यक्ति को निजी अपनी पर्सनल चीजें पर्सनल सेव रखने का अधिकार है, निजता का अधिकार है। आपकी फोन की रिकॉर्डिंग कभी भी सरकार चेक नहीं कर सकती, ये आपकी निजता का हनन है। तो नॉर्मली आधार में भी यही बात आती है, आधार के बारे में बोला जाता है। बहुत सारे लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग बोलते हैं अपने आप को बुद्धिमान बोलते हैं, तथा कथित तो बुद्धिमान है नहीं वो। इसमें कहानी ये है कि इसमें आपको बायोमेट्रिक होती है, बायोमेट्रिक क्या, आपकी उंगलियों के निशान जाते हैं आधार में, आपकी आंखों के निशान जाते हैं, आपकी वॉइस रिकोगनाइजेशन भी होती है बोलने का, अभी ये भी ऐड कर दिया गया है। तो इसमें आपकी DNA यानी आपकी बायोमेट्रिक जाँच जो है वो सरकार के पास जा रही है, और सरकार आप पे कभी भी कैसे भी निगरानी रख सकता है। आपके सारी चीजें, बैंक का खाता भी आधार से जोड़ दिया जा रहा है, आपका मोबाइल नंबर भी आधार से जोड़ दिया जा रहा है, सारे के सारे काम आधार नंबर से जोड़ दिए जा रहे हैं। अब आधार नंबर कटा था तो सरकार के पास है, सरकार जब चाहे जो चाहे उस चीज को छान सकती है। बैंक का डाटा आधार नंबर देख के सरकार बैंक का डाटा छान सकती है, आपके कितने रुपए हैं सारा कुछ। तो इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि निजता का हनन हो रहा है, कि हमारी बैंक में मैं कुछ जमा करा रहा हूँ उसे सरकार से क्या मतलब, मैं कितने रुपए जमा करा रहा हूँ सरकार, अब ये कौन सी मूर्खतापूर्ण बात हुई। चलो ये बात हुई, फिर दूसरा वो बोलते हैं कि ये बायोमेट्रिक जो है उसकी कोई गारंटी भी तो नहीं है, सिर्फ सरकार के पास रहेगी। हो सकता है कल के लिए कोई हैकर आए और सरकार का जो सर्वर है उसमें से सारा का सारा बायोमेट्रिक डाटा, जो अपनी उंगलियों के निशान है, आंखों की पुतलियों के निशान है, या बोलने के जो निशान है, वो वहां से चुरा ले, और उस चुराने के साथ में ही, वो बायोमेट्रिक डाटा चुराने के साथ में ही उसके पास में सारे एक्सेस मिल जाएंगे, यानी वो बैंक में से रुपए भी निकाल सकता है।
क्यों नहीं निकाल सकता, जब आधार मिल गया, आधार मिलने के बाद में तो वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस आधार का विरोध किया जाता है कि सरकार सेफ्टी क्या कुछ बताए हमें कि क्या क्या आपने सिक्योरिटी बनाई हुई है। तो सरकार ने बोला है कि हाँ हमने सिक्योरिटी बनाई हुई है, बाकी कुछ अभी एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि डाटा लीक हो गया आधार का, पर झूठी खबरें थी वो सारी की सारी। तो राइट टू प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निजता का अधिकार, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई दखल नहीं दे सकती सरकार, ये होता है राइट टू प्राइवेसी। तो याद रखना राइट टू प्राइवेसी जो है अनुच्छेद नंबर 21 के तहत आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14। उसके बाद में बात करते हैं राइट टू स्पीडी ट्रायल, यानी आप अगर किसी अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने अपराध किया हो, कोई बिना अपराध के भी आपको उसमें शामिल कर सकता है, आपके खिलाफ कोई केस करा सकता है, तो आपको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। आपने अगर अपराध नहीं किया है तो आपको कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। अगर आपने अपराध भी नहीं किया है और आप अगले आने वाले 10 साल तक उस अपराध के गिल्टी भी महसूस कर रहे हैं, तो एक तरीके से आपके साथ में न्यायपालिका के द्वारा अन्याय हो रहा है। तो राइट टू स्पीडी ट्रायल यानी जल्दी से जल्दी ट्रायल होना चाहिए। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी नहीं लगा सकते। और उसके बाद में देरी से मिले मृत्यु दंड का खिलाफ अधिकार, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलना है लेकिन उसको 15 साल से वो उसी मृत्यु दंड के इंतजार में भय में बैठा हुआ है। ऐसा हुआ था कि राजीव गांधी जी के जो हत्यारे थे उनको बहुत दिनों तक पूर्ण सजा नहीं मिली थी, 15 साल तक उन्हें जेल में रखा गया था, लेकिन जेल में भी वो मृत्यु के समान जी रहे थे, उन्हें डर था कि अब मृत्यु दंड होने वाला है, मृत्यु दंड होने वाला है। 15 साल तक मृत्यु दंड का उनके ऊपर ये रहा था सर, बढ़ रहा था, खतरा। तो 15 साल तक वो एक तरीके से मौत के आगोश में ही रहे थे। तो जब उन्हें मृत्यु दंड की सजा मिली तो उसके उस समय सुप्रीम कोर्ट में केस लगाए गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इतने दिनों से तो ये आप मौत के समान ही जी रहे थे, तो आपने इतने दिन लगा दिए, देरी से मिला ये मृत्यु दंड, तो आप इन्हें मृत्यु दंड नहीं देंगे इस तरीके से। और उसमें अपनी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन्हें माफ भी कर दिया था। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, आपको कहीं खुले में भी आपने सजा की है तो आपको कहीं खुले में आपको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। तो इस तरीके से अनुच्छेद नंबर 21 का बहुत ज्यादा विस्तार हो गया है। राइट टू प्राइवेसी में बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। राइट टू प्राइवेसी में यानी इस वाले लाइफ एंड लिबर्टी वाले में अनुच्छेद नंबर 21 में यह भी आता है कि आपको खुले में स्वच्छ वातावरण चाहिए, लेकिन दिल्ली में तो स्वच्छ वातावरण है ही नहीं, दिल्ली में चारों तरफ धुआं ही धुआं है। आपको चाहिए स्वस्थ वातावरण, क्यों चाहिए? क्योंकि आपको जीवन जीना है, जीवन जीने के लिए यह भी तो जरूरी है कि आपके चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को निर्देश देती है कि प्रदूषण कम करो, प्रदूषण कम करो, क्योंकि एक क्लीन क्लीन एनवायरनमेंट भी अनुच्छेद नंबर 21 के तहत आता है। जीवन तो जी रहे हैं वो लोग, लेकिन गुट गुट कर जी रहे हैं, ये कौन सा जीवन हुआ? तो अनुच्छेद नंबर 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता रहता है। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी वाला जो अधिकार था 31 वो रद्द कर दिया गया था, उसे 301 में लीगल राइट बना दिया गया था। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, हम 22 तक बात कर चुके हैं, तो इसे याद करने का 19 से 22 याद करने का जो ट्रिक है, मैंने बताया था 14 से 18 का लॉ रिमूव्स अवर डाउट, उसके बाद में गिव्स 6 फ्रीडम, 6 जो स्वतंत्रताएं देता है, जो 19वां जो व्यक्ति की स्वतंत्रता उसमें 6 बिंदु हैं वो आगे हम देखेंगे। एंड मेक एवरीथिंग क्लियर, क्लियर CLEAR, सी का मतलब हुआ कन्विक्शन, यानी अपराधों के दंडित होने के संबंध में संरक्षण। एल यानी लाइफ एंड लिबर्टी, ई यानी एजुकेशन का अधिकार, 21A बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है। उसके बाद में अरेस्ट यानी जो गिरफ्तारी एवं हिरासत से संरक्षण है, उसमें आर्टिकल नंबर 22। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 23 और 24 की, जो अपना अनुच्छेद का तीसरा है, तीसरा अपने मूल अधिकारों का तीसरा भाग है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। आपको शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी का निषेध है इसमें। प्रोहिबिशन इन ट्रैफिक इन फोर्स लेबर, अब फोर्स लेबर क्या होता है, नॉर्मली इसमें 3-4 एग्जाम्पल आप मान सकते हो। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत ज्यादा होता था पुराने समय पे, अब तो कम हो गया है। कोई गरीब व्यक्ति है, उसने किसी साहूकार से रुपए लिए, वो रुपए उसको जमा नहीं करा पाया, वापस नहीं दे पाया, तो साहूकार उसे अपने यहाँ पे एक तरीके से बंधुआ मजदूर के रूप में रख लेता था, सिर्फ खाना देता था, खाना भी नहीं देता था, या तो बंधुआ मजदूर, कोई मजदूरी नहीं, सिर्फ बांध कर रखा हुआ है, उस पर जो काम कराना चाहे वो करा लेता। अब भी होता है बहुत सारी जगह गाँव में, लेकिन बड़े शहरों में ये चीज नहीं होती है। बड़े शहरों में और काम होते हैं, जैसे कि ईंट भट्टे, ईंट भट्टे में ज्यादातर जो लोग होते हैं वो बंधुआ मजदूर होते हैं, बिहार पश्चिम बंगाल की साइड से लोग आते हैं काम करने के लिए, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खाने के ऊपर ही उन्हें रख लिया जाता है, और उनकी जो एनवायरमेंट कंडीशन होती है वो तो आप जानते ही हैं, ईंट भट्टा यानी कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ, तो बहुत गलत परिस्थितियों में, बहुत खराब परिस्थितियों में वो जीवन जीते हैं, बंधुआ मजदूर रहते हैं, उनको पेमेंट नहीं किया जाता है, पेमेंट किया जाता है तो उतना ही किया जाता है, 30-40 रुपए, तो वो बंधुआ मजदूर की श्रेणी में आता है। उसके अलावा अपने बिहार हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ पे ग्रीन यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति सफल हो चुकी है, तो
तो वहां पे मजदूर नहीं मिलते हैं, तो बिहार की साइड से, पश्चिम बंगाल की साइड से बहुत सारे मजदूर आते हैं काम करने के लिए, वहां पे बंधुआ मजदूरी होती है। तो इसमें अगर कहीं पे भी बंधुआ मजदूरी हो रही है और मानव तस्करी हो रही है, तो आर्टिकल 23 के अनुसार उसके विरुद्ध आप कोर्ट में जा सकते हो। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 24, कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध, किसी भी प्रकार के कारखानों में बच्चे कार्य नहीं कर सकते। अब आते हैं चौथा जो अधिकार है, मूल अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो चार अधिकार हैं, 25, 26, 27, 28। 25वां कहता है कि आपको विवेक, धर्म के अभ्यास एवं प्रचार की स्वतंत्रता। विवेक यानी कॉन्साइन, आप जो भी मानना चाहें भगवान को, आपके ऊपर आपका पूरा अधिकार है कि आप चाहो तो हिंदू धर्म मानिए, हिंदू ब्राह्मणिज्म मानिए, आप चाहो तो मुस्लिम रिलीजन मानिए, आप चाहो तो ईसाई रिलीजन मानिए, आप पैदा किस रिलीजन में हुए ये मैटर नहीं करता, आपके मन की बात है, आप चाहे चाहो तो भगवान को मत मानिए। तो ये अपना होता है विवेक एवं विवेक यानी कॉन्साइन, सोचना। धर्म के अभ्यास आप प्रचार कर सकते हो, अभ्यास भी कर सकते हो, इसमें से आप विवेक याद कर लेना। दूसरा होता है धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता, आप जहाँ चाहो भागवत कथा पाठ बैठा सकते हो। तीसरा होता है धार्मिक कार्य में लगने वाले टैक्स से स्वतंत्रता, आप जब भी कोई भी बड़ा बड़ा धार्मिक कार्यक्रम देखते हो तो उसमें पैसे तो खर्च होंगे, तो उसमें टैक्स फ्री रहता है, वो सारा का सारा टैक्स फ्री रहता है। इसका बहुत ज्यादा मिसयूज भी होता है, बहुत ज्यादा मिसयूज होता है, जो ब्लैक मनी होता है वो मंदिरों में पहुंचा दिया जाता है। उन्हें सोचते हैं कि हम दान कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो ब्लैक मनी को दान करते हैं लोग, उन्हें पता है कि उसमें टैक्स नहीं लगने वाला। तो इसमें ब्लैक मनी का भी वो हो जाता है बेटर, लेकिन वो अगले आगे जब हम आएंगे मूल अधिकार तब डिटेल में देखेंगे। अनुच्छेद नंबर 28, शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता, यानी आप किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हो, वहां पे ईसाई की प्रार्थना बोली जाती है, यीशु मसीह की प्रार्थना बोली जाती है, और आपको उसमें अटेंड नहीं होना है, तो आपको स्वतंत्रता है, आप प्रार्थना में मत जाइए, अटेंडेंस की स्वतंत्रता है आपको। उसके बाद में आता है अधिकार, मूल अधिकार नंबर 5, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसमें 29 और 30 है, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा, माइनॉरिटीज के जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनकी उनकी जो सुरक्षा। माइनॉरिटीज जो है वो अपनी नॉर्मली 6 हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, ये 6 माइनॉरिटीज हैं। और अनुच्छेद नंबर 30 जिसको कहता है अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान बनाने का अधिकार, तो अपना मुसलमान जो चाहे, इस्लाम धर्म के मानने वाले जो चाहें, वो अपनी मदरसे बना सकते हैं। तो ये अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान बनाने का अधिकार है। उसके बाद बात करते हैं मूल अधिकार नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। आर्टिकल नंबर 32, अधिकारों को लागू कराने का उपचार, यानी अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ये आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। इसमें रिट होती है अलग अलग तरीके की, वो जब मूल अधिकार आएंगे तब हम पढ़ेंगे। तो एक बार सारे जो 6 अधिकार हैं उन्हें रिवाइज कीजिए, देख रहे होंगे आप 14 से 32 तक के टोटल ये अधिकार हैं। 14 से 18 समानता का, 19 से 22 स्वतंत्रता का, 23, 24 शोषण विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धर्म का अधिकार, धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता। उसके बाद में 29, 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अपना 31 था उसे बंद रद्द कर दिया गया, और 301 के तहत उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, संपत्ति का अधिकार जो है, और अपना 32वां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आगे हम चलते हैं डीपीएसपी की तरफ, यानी जो होते हैं राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, तो ये भाग नंबर 4 में आते हैं, और आर्टिकल इसमें 36 से 51 की बात की गई है। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ये 3 तरीके के होते हैं, सोशलिज्म, गांधीज्म और वेस्टर्न लिबरलिज्म। यानी सोशलिज्म जो समाजवाद वाला, समाजवाद में गरीबों का कल्याण करना है, गांधी जो गांधी की विचारधाराओं पर आधारित हैं, और वेस्टर्न लिबरल यानी पश्चिमी उदारवाद, जो अपने पश्चिम है यूरोप और अमेरिका, वहाँ पे बहुत सारे लिबरल थॉट्स आए थे, उदारवाद विचार आए थे, तो उनके आधार पे अलग अलग तरीके के ये डीपीएसपी हैं। याद रखना डीपीएसपी जो है वो न्यायपालिका में आप उन्हें इन्फोर्स यानी लागू नहीं करवा सकते, आप उनके विरुद्ध में न्यायपालिका में नहीं जा सकते। तो मैं अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैं बोलता चलता हूँ, उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे, और वहीं पे इस लेक्चर को रोक देंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज हम देखेंगे, उसके बाद में इस लेक्चर को रोक देंगे। आर्टिकल 38 जो है वो अपना राज्य कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये जो है वो अपने समाजवाद में और गांधीजी थॉट्स के अंदर आएगा। आर्टिकल 39, अनेक नीति सिद्धांत जिनका पालन करना जरूरी है, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नॉट अलाउ, यानी संपत्ति का आप एकत्रीकरण नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा चलता आ रहा है हमारे साथ में, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 1% लोगों के पास में अपनी 50% जनता से ज़्यादा पैसा है, तो ये आप समझ सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाला ये लागू नहीं हो पाया है ढंग से। लेकिन आप इसके खिलाफ कोर्ट में जा नहीं सकते, तो क्या करें, ये तो निर्देश तो दिए गए हैं लेकिन कोर्ट में तो जा नहीं सकते। अगर कोर्ट में जाने का ऑप्शन होता तो लोग इनके खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते थे, लेकिन आज के समय पे तो संपत्ति बड़े लोगों के पास में बहुत ज़्यादा है, अमीर लोगों के पास में तो बहुत ज़्यादा है, गरीब लोगों के पास में लास्ट के 50% के पास में उतना नहीं है जितना 1% लोगों के पास में। उसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल 20 39 ए,
हाँ, समान न्याय व मुक्त न्यायिक सहायता, ये अपना सभी के लिए इक्वल जस्टिस होगा, ये तो सही है, सभी के लिए इक्वल जस्टिस होता ही है। और फ्री लीगल एड, ये अपना इस तरीके से है कि कोई गरीब व्यक्ति है और वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके पास में पैसे नहीं है वकील रखने के लिए, तो सरकार उसे मुफ्त में न्यायिक सहायता देगी, सरकार उसे मुफ्त में वकील देगी। तो ये अपना 39A में, ये अपना सोशलिज्म यानी समाजवाद के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 40, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, तो आर्टिकल नंबर 40 में कहा गया था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, कि विलेज पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, चाहिए करेंगे नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मस्ट नहीं है, सिर्फ सुड़ है यानी चाहिए, लेकिन किया नहीं गया, किया नहीं गया। तो 1992 में पहली बार संविधान संशोधन करके जबरदस्ती पूरे भारत के सभी राज्यों में एक तरीके से पंचायत, ग्राम पंचायतें शुरू की गई। अपने राजस्थान में तो पहले ही हो चुका था, 1958 में हो चुका था, लेकिन बहुत सारे राज्य थे जहाँ पे ग्राम पंचायतें नहीं बनाई गई। देखो इस समय अपने भारत में जो शासन चलता है वो त्रिस्तरीय चलता है, त्रिस्तरीय, ये तो मैंने जो बताई थी, ये लोकतंत्र के 3 स्तंभ थे, अभी शासन का स्तर बता रहा हूँ, 3 स्तर पे चलता है, एक होता है केंद्र, एक होता है राज्य और एक होता है स्थानीय, स्थानीय स्थानीय। केंद्र में अपना संसद वाला आ गया, अपना प्रधानमंत्री आ गया और मंत्रिपरिषद आ गई। राज्य में अपनी विधायिका, विधान परिषद आ गई, विधान परिषद के साथ में अपनी CM आ गई और उसके साथ में मंत्रिपरिषद आ गया। अब स्थानीय, स्थानीय भी 2 तरीके का होगा, एक होगा ग्रामीण, एक होगा शहरी, एक होगा ग्रामीण और एक होगा शहरी, यानी ग्रामीण जो होगा नगर पंचायत, शहरी होगा नगर पालिकाओं वाला। ग्रामीण के भी 3 पार्ट हो जाते हैं नॉर्मली, एक होगा गाँव के लेवल पे सरपंच वाला, दूसरा होता है एक अपने ब्लॉक होता है, ब्लॉक लेवल पे, उपखंड लेवल पे, खंड लेवल पे, तो वहां पे होता है प्रधान और उससे ऊपर होता है जिला परिषद। तो ये 3 तरीके का होता है, और शहरी जो होता है वो भी 3 तरीके का होता है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। तो शहरी जो नगर पालिकाओं वाला होता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखाइए, उसमें 3 तरीके से कौन सा होता है। तो हम बात करते हैं, देखिए इनका जो चुनाव जो कराया जाता है, इनका ये जो नीचे वाले स्थानीय निकाय हैं, इनका जो चुनाव कराया जाता है वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है, और केंद्र और राज्यों के जो चुनाव कराए जाते हैं वो एक केंद्र में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, CEC है, इलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा किया जाता है, चुनाव आयुक्त के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 41, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन। अब काम करने का भी अधिकार है और शिक्षा पाने का भी अधिकार है, लेकिन एक्चुअली में ये DPSP में रखा गया है, तो DPSP में आपको काम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट में जा सके, आपको जॉब नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट में जा सको, लेकिन इसमें निर्देश तो दिए गए थे संविधान में कि आपको सभी लोगों को जॉब देने की कोशिश करनी है, अब नहीं दे पा रही सरकार तो क्या किया जाए। एजुकेशन वाले को तो कर दिया है उन्होंने, एजुकेशन तो सबके लिए राइट दे दिया गया, आर्टिकल नंबर 21 में शामिल कर दिया गया उसे। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 42, इसमें ह्यूमन वर्क कंडीशन एंड मेटरनिटी रिलीफ के बारे में बात की गई है, यानी आप जहाँ भी कार्य करते हैं वहाँ पे कंडीशन अच्छी रहनी चाहिए, और अगर कोई औरत है उसके बच्चे हो जाते हैं तो उसको मेटरनिटी मातृत्व तो लाभ मिलना चाहिए। आर्टिकल नंबर 43, इसमें जीने योग्य भत्ते भी देने चाहिए, यानी आपको वर्कर हैं तो आपको कम से कम उतना पेमेंट मिलना चाहिए जितना आप सही तरीके से जीवन। 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए, लेकिन अब तक हुई क्या? नहीं हुई। हिंदुओं के लिए अपना मैरिज का लॉ अलग, मुसलमानों के लिए मैरिज का लॉ अलग, ईसाइयों के लिए मैरिज का लॉ अलग, यानी सभी अलग अलग लॉ बनाए हुए हैं, लेकिन ये गलत है। 44 अनुच्छेद के अनुसार ये कहा गया है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना है धीरे धीरे, ये वेस्टर्न लिबरल यानी पश्चिम उदारवाद का सिद्धांत है, लेकिन अब तक नहीं लेके आए। बाकी अपनी BJP सरकार 2 बिंदुओं पे, 3 बिंदुओं पे सबसे ज्यादा बात करती है, एक तो करती है आर्टिकल नंबर 44, एक करती है आर्टिकल नंबर 370, एक करती है राम मंदिर, तीनों में से अभी तक कोई भी पूर्ण नहीं कर पाई है, तो ये जुमलेबाजी चल रही है उनकी। बाकी हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अपना ट्रिपल तलाक जो है वो खत्म कर दिया गया है, ट्रिपल तलाक जो है वो खत्म कर दिया गया है, तो धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया जा सकता है। अभी तो सिर्फ ट्रिपल तलाक को खत्म किया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अभी भी लागू है, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता नहीं आई है। हो सकता है 2019 जीतने के बाद में मोदी इस काम को कर सकें, लेकिन अभी ऐसा कोई नहीं लग रहा। अब ये जो बात चली है उसे थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा भी मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल नंबर 44 के अनुसार समान नागरिक संहिता की बात की गई है, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। मुसलमानों के लिए जो तलाक का नियम है वो अलग है, अब उस तलाक के नियम का फायदा उठाते हुए मुस्लिम जो पुरुष हैं वो मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार करते थे। 1987-88 में एक सामानो नाम की एक औरत थी, मध्य प्रदेश की थी, इंदौर की थी, उसके पति ने उसे छोड़ दिया था, उसके पति ने उसे छोड़ दिया यानी तलाक दे दिया। ऐसे उसमें नियम तो कुछ अलग है, लेकिन अब क्या मिस यूज करते हैं, तलाक तलाक तलाक, 3 बार तलाक बोल दिया मतलब आपका डिवोर्स हो गया, इस तरीके से बोल के उस औरत को छोड़ दिया, और हट जाने का कोई प्रावधान नहीं है अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ में।
तो अब वो महिला क्या करेगी? महिलाओं की तो पहले से बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, अब महिला को उसके पति ने छोड़ दिया तो महिला कहाँ जाएगी? उसने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि मेरे साथ में ये हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये उसी की समय की बात है जब राजीव गांधी सरकार थी, उसी समय की बात है 1988 के आसपास की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको भत्ता देना पड़ेगा, और उससे कहा, जो भी उसका पति था उससे बोला कि आपको इसके जीवन जीने योग्य भत्ता देना पड़ेगा। तो वो कानून लेके आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप कानून जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बहुत बदलना पड़ेगा, आपको भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन उस समय राजीव गांधी जी जो थे उनको मुसलमानों के जो एक तरीके से मौलाना थे उन्होंने भड़का दिया या कोई एक इस तरीके से दबाव डाल दिया कि अगर आपने ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसको लागू करवा दिया तो हम आपको वोट नहीं दिलवाएंगे, इस तरीके की बात थी। तो राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के नियम को ही पलट दिया, तो साहवानों को न्याय नहीं मिला, उस समय न्याय नहीं मिल पाया। साहवानों जिंदगी भर तलाकशुदा रही और उनको वेतन भत्ते नहीं मिल पाए। लेकिन अभी पिछले साल में एक नई औरत आई, सायरा बानो नाम से, उत्तराखंड की थी। इनके पति जो है वो इलाहाबाद में काम करते हैं, तो इनके पति ने भी 3 बार तलाक बोल बोल के तलाक 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 बोल के छोड़ दिया। आजकल तो क्या फैशन चल गया मुसलमानों में इस चीज का कि ओरिजिनली तो वो जानते नहीं है तलाक का मतलब क्या है, लेकिन फैशन में फोन पे भी बोल देते हैं तो फोन पे भी मान लिया जाता है। तो यहाँ पे सायरा बानो ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार और कड़ा निर्णय सुनाया कि सरकार को कुछ भी करे महिलाओं के जो अधिकार है उनका हनन नहीं होना चाहिए, भले ही मुस्लिम हो हिंदू हो लेकिन अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए जो भत्ता है वो मिलना चाहिए। कम से कम पैसे, पति इतने रुपए कमा रहा है उसको, मुस्लिम पर्सनल लॉ वो कुछ भी हो लेकिन उससे मतलब नहीं है। अब महिला क्या करेगी? महिला को मरना थोड़ी है उस चीज से। तो सायरा बानो को अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय सुनाया था, उसमें उनके लिए वेतन भत्ते का प्रावधान किया था और सरकार को निर्देश दिया था कि ट्रिपल तलाक को खत्म करने का कोई कानून बनाओ, और सरकार ने उस कानून को बना भी दिया है। तो इस तरीके से ट्रिपल तलाक तो खत्म हो चुका है, बाकी अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अभी कुछ चर्चा नहीं है, धीरे धीरे आ सकता है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 45 बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, और आगे आप देखते चलिए, इसमें आर्टिकल नंबर 48 जो है कृषि पशुपालन को संगठित करना है, 48A में पर्यावरण संरक्षण, वन वन्यजीव संरक्षण, 48 आर्टिकल 49 में प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट यानी स्मारकों का संरक्षण, इसके लिए एक अलग से विभाग बनाया हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। उसके बाद आर्टिकल नंबर 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, आर्टिकल 51 यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51 के साथ में ही आर्टिकल 51A बाद में जोड़ा गया था जिसमें मूलभूत कर्तव्य जोड़े गए थे। तो अभी हम मूलभूत कर्तव्यों को देख लेते हैं, उसके बाद में लेक्चर खत्म करते हैं और बाकी बचा हुआ जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो हम पार्ट 3 में देखेंगे, अच्छे ढंग से देखेंगे। तो हम चलते हैं मूलभूत कर्तव्य, आपके स्क्रीन पे लग रहे होंगे, पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूँ और उसके बाद में हम इंग्लिश में देखेंगे। हिंदी में इस तरीके से शुरू करते हैं, कुल मिला के 10 मूल कर्तव्य थे जब तोड़े गए थे, बाद में अपना 11वां मूल कर्तव्य 2002 में जोड़ दिया गया। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ये अपना पहला कर्तव्य है। संविधान का पालन करना चाहिए, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि ये जो मूल कर्तव्य हैं ये न्यायपालिका में नहीं ले जाए जा सकते। अगर इनका पालन नहीं कर रहा है कोई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके खिलाफ में जाकर के केस करा दो। अगर कहीं पे राष्ट्रगान बज रहा है तो ये आपका कर्तव्य है, आप खुद से खड़े हो जाइए। लेकिन आप कहीं जल्दी में हो, कोई बीमार है, तो जरूरी नहीं है कि आप उस सारे काम को छोड़ के राष्ट्रगान के लिए खड़े हों। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, ये डीपीए जो अपने मूल कर्तव्य है ये आपके ऊपर है, ये नागरिकों के कर्तव्य हैं, उनको फॉलो करने चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार उनको सजा देगी। तो अगर कहीं पे अपने अगर इस अगर सिनेमा में राष्ट्रगान बज रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि खड़ा हो वहां पे कोई व्यक्ति, लेकिन आपका खुद का कर्तव्य है, ये खड़ा होना चाहिए, राष्ट्र के बहन के प्रति आपको श्रद्धा दिखानी चाहिए। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें, यानी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सबके जो विचार हैं उनको अपने हृदय में सजो के रखें। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करें और अक्षुण बनाए रखें। चौथा, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। उसके बाद में पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जाति, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। पांचवा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका रक्षण करें। छठवा, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें।
सातवां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक टेंपर, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना है आपको, अंधविश्वासों पर नहीं चलना है, सोचना है, क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट करनी है, लेकिन यही सबसे अच्छा नहीं हो पाया। देखिए जो सातवां पॉइंट है वो देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा हो जाए ना, लोग क्यूरियोसिटी बनाने लग जाएं, लोग साइंटिफिक तरीके से सोचने लग जाएं, लॉजिकल तरीके से सोचने लग जाएं, तो देश को विकसित होने में टाइम नहीं लगता है। क्योंकि अपने देश में आप अनुमान लगा लीजिए, पूरे विश्व में जितने भी बड़े बड़े आविष्कार होते हैं वो ज़्यादातर अमेरिका में होते हैं, जापान में होते हैं, चीन में होते हैं, दक्षिण कोरिया में होते हैं, जर्मनी में होते हैं। भारत में तो आप आविष्कार सुनते ही नहीं हो, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है, नई चीज़ें डेवलप करने का कोई ऐसा इंटेंशन है ही नहीं लोगों का। वो अपने अब एक तरीके से अंधविश्वासों पर, पुरानी रूढ़िवादिताओं पर चले आ रहे हैं। तो ये साइंटिफिक टेम्पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में हम जब चलेंगे तो उस समय और गहराई से बात करेंगे, क्रैश कोर्स है सारी चीज़ें मैं बोलता चल रहा हूँ। उसके बाद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ें। अगला 11वां, यदि कोई माता पिता या संरक्षक है तो वह अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक तथा प्रतिपाल्य जिसकी वो एक तरीके से पालन कर रहा है कुछ शिक्षा का प्रदान करे। और इस तरीके से मैंने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बता दी आपको, और इंग्लिश में ये आप इसे देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ। तो उसके बाद में हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। लेक्चर्स मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 घंटे और 1.25 घंटे 1.5 घंटे के बीच के हों, ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप देख नहीं पाते हैं, इसलिए मैं इसे यहीं पे रोकता हूँ और जो हमने जो देखा है उसे रिवाइज करता हूँ। अगले लेक्चर में हम मूल जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे, बहुत बार बार रेयर हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, उन आर्टिकल्स को देखेंगे। इसका मतलब नहीं 395, 15-20 आर्टिकल्स हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको देखेंगे। बाकी आज जो हमने पढ़ा है मैं उसे रिवाइज कर देता हूँ सारा का सारा। सबसे पहले तो हमने लास्ट लेक्चर का देखा था कि लास्ट लेक्चर में क्या है, इंडेक्स तो देखी थी। उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो प्रमुख तिथियां हैं उनके बारे में बात की थी, कांग्रेस से लेकर के अपनी आज़ादी तक। उसके बाद में हम आ गए थे अपने भाग पर, 22 भाग हैं, 22 भागों को हमने देखा था। जो मैंने ट्रिक बताई थी, यूनियन टेरिटरी के नागरिकों को यह अधिकार है कि वो अपने डायरेक्टर प्रिंसिपल की नीति और कर्तव्यों को केंद्र व राज्य सरकारों को दे दें, तो ये आपको याद रखने हैं। 22 भाग जो हैं, अनुच्छेद भले याद रहे ना रहे लेकिन 22 भागों के बारे में थोड़ा बहुत याद कर लें। उसके बाद अनुसूची तो पक्की याद रहनी चाहिए, 12 अनुसूचियां कभी भी पूछा जा सकता है। इसमें से दल बदल इंपॉर्टेंट है, पंचायत इंपॉर्टेंट है, नगर पालिका इंपॉर्टेंट है। ट्रिक मैंने बताई थी, स्पोर्ट सूची में क्षेत्रीय भाषाओं की संपत्ति दल बदल के आधार पर पंचायत व नगर पालिकाओं को देंगे, इस तरीके की ट्रिक थी। उसके बाद में हमने 22 भागों को देखा ही था कुल मिला के। उसके बाद में शेड्यूल्स अनुसूचियों को देखा था, उसके बाद में अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट जो होते हैं वो, और उसके बाद में हम आ गए थे कुल मिला के जो सूचियाँ थी, यूनियन लिस्ट यानी केंद्र की सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, डिफेंस जैसे बताया था केंद्र का है, इलेक्ट्रिसिटी संवर्ती का है, हेल्थ जो अपने राज्य का है। उसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का मूलभूत ढांचा देखा था। उसके बाद हम मूल अधिकारों पर आ गए थे, 6 मूल अधिकार हैं, शुरुआत में 7 थे, 31 अनुच्छेद हटा दिया गया, अभी 6 बचे हैं। तो उनका ट्रिक बताई थी, समस्त शोध धर्म एवं संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति, शिक्षा अधिकार और संवैधानिक उपचार। इनमें से मैंने आपको चार तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाए थे। आर्टिकल नंबर 14 यानी कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल नंबर 19 यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 21 यानी अपनी जीवन जीने की स्वतंत्रता यानी जीवन जीने का अधिकार। उसके बाद में इसमें ही आर्टिकल नंबर 21 का दायरा जो बढ़ता गया, बहुत ज्यादा बढ़ता गया। आर्टिकल नंबर 21 के तहत यह भी बात आती है कि आपको जीवन जो है शांति से जीना है, लेकिन आज के टाइम पे तो क्या, रात के 11 बजे के बाद में अपनी ढिंचक पूजा के गाने बज रहे हैं, तो आपकी इरिटेशन हो रहा है, आपको जीवन में दखल हो रही है उस चीज से, तो आप जाके पुलिस को बोल सकते हो कि ये डीजे में जो गाने बज रहे हैं रात के 10 बजे के बाद में, मुझे नींद नहीं आ रही है, इससे आप इसे बंद करवा सकते हो। कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया है कि रात के 10 बजे के बाद में कभी कोई डीजे नहीं बजाया जाएगा, लेकिन वो चलता रहा है, चल रहा है अभी तक, उसका कोई पालन होता नहीं है। उसके बाद में हमने डीपीएसपी देखे थे यानी जो अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो देखे थे। उसके बाद में हमने 11 मूलभूत कर्तव्य जो अपनी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए थे। आगे हम अगले लेक्चर में जो कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उन्हें देखेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये क्रैश कोर्स है इसलिए मैं फास्ट करा रहा हूँ, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मैंने बोला था कि एग्जाम में 70 से 80% जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ उसी से आ जाएंगे। मैंने 3 पार्टों में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है अगर तीसरा पार्ट ज़्यादा बड़ा रहा तो मैं इसे चौथे पार्ट में ले जाऊँगा, यानी 4 घंटे के आसपास रखने का प्लान है मेरा।
इसमें से आप किसी भी एग्जाम में जाना 70 से 80% आप गारंटेड सॉल्व कर लोगे। मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ सारी सारी चीजें आपको बता दूँ, और क्रैश कोर्स के लिए मैंने बोला था, बाकी लेक्चर्स के लिए तो नहीं बोलता हूँ। आप कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ में इस क्रैश कोर्स को शेयर कर सकते हो, आप चाहो तो। आपको अच्छा लगे तो लाइक वगैरह कर दें, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा पढ़ने वाला मुझे इन चीज़ों से। तो मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अपनी पॉलिटी लेक्चर सीरीज क्रैश कोर्स पार्ट 2 के बारे में। राम राम सा, धन्यवाद।